अस्सलाम वालेकुम नाजीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। बस मिलाने से पहले आप लोग को यही कहते हैं, यही गुजारिश करते हैं आप लोगों से, ज़रूर आइए, आवाज़ ज़रूर मिलाइए। बस लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो पहले कॉलर आते हैं ना, सबसे पहले कॉलर जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो कोशिश होती है कि उनको थोड़ा टाइम दे दिया जाए, उनका पूरा मैसेज ले लिया जाए, उसके बाद दूसरे कॉलर को लिया जाए। पर जब पहले कॉलर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, तो दूसरे कॉलर भी घटाघट आते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले हम उनको एयर कर दें। तो इसका ख्याल रखा करें कि ज्यादा कोशिश करा करें कि पहले पहले कॉलर को जो आया है उसको थोड़ा टाइम देने लगे, तो ज्यादा पता चलेगा। आपने देखा कि क्या कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने ये बिल तो बहुत पास कराने में कामयाब हो गए हैं, मगर अपोजिशन को क्या राजी करने में कामयाब हुए या नहीं हुए, या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार हो गई है नहीं हो गई है, तो इस पर हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका फिर आज मौजू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्स तो पास हो गए, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है? आपको भी पता है कि कितनी ज्यादा बातें चल रही हैं इसके ऊपर, कि कितनी 1 लाख मशीन्स चाहिए वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, तो क्या 1 लाख मशीनें ये बना सकेंगे, इतना अरबों रुपया इस पर खर्च करेंगे, या हर इलाके की मशीन सही काम कर पाएगी? मैं आपको सवाल दे देती हूँ बहुत सारे, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। क्या वो मशीन काम कर पाएगी, क्या हर एरिए की मशीन काम करेगी, कि इस पे वर्क नहीं किया गया, उस पे कुछ भी काम नहीं किया गया, और अचानक इलेक्शन में कितना ज्यादा टाइम नहीं है कि इस पे काम किया जा सके? तो इसी वजह से जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि इलेक्शन इस तरह होंगे, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अब आप लोग आगे बोल सकते हैं, आगे जितने भी कॉलर हैं जी। ये आज आपने जितने सवाल किए हैं जी, मैं इसका जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है जी, आज फैक्ट्री इलेक्शन कमीशन जो है कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में गए थे जी, तो वो वहाँ पे जो कमेटी है उसमें पोजीशन के बंदे भी होते हैं और हुकूमत के भी बंदे होते हैं, जी। तो वहाँ पे जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है, मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि इसका खर्चा जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर के जी, बिलियन डॉलर के तरह। मैं कल परसों जो मेंशन कर रहा था 500-600, वो आपने वो तो कुछ भी नहीं था, मैं यही सोच रही थी जी। हाँ, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मैं यही सोच रही थी। यकीन करें, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात ले ली, मैंने कहा अरे मेरे कॉलर ने ये बात मेंशन की थी, ये तो कुछ भी नहीं है जी। हाँ, तो ये जो है 1 खरब 250 अरब रुपया बनता है इसका पाकिस्तान निफ्टी जी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इस मकसद के लिए तकरीबन 9 लाख के करीब अपना वोटिंग मशीनें चाहिए जी। अब जितना पीरियड रह गया हुआ है, यानी आज से मशीनें बनना तैयार हों, समझे 9 लाख चाहिए, 1 लाख पुलिस स्टेशन बनते हैं इलेक्शन के लिए, 1 लाख जी। मैं बारी बारी आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 9 लाख अपना मशीनें चाहिए, 9 लाख मशीनें अगर आज से बनना शुरू हो जाए तो 1364 मशीनें जो है रोजाना बननी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि इस मशीन को टेस्ट करने के लिए हमें जो है 14 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये 14 स्टेजेस के बाद जो है हमें इन मशीनों को चेक करने के लिए 300-400 ट्रायल टेस्ट करने होंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन मशीनों को जो है वो हमने हमारे स्टोरेज हमने कहाँ करनी है, ये एक बिग प्रॉब्लम है जी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन मशीनों के ऊपर मौसमी असरात क्या मुरतब होंगे, इसके बारे में ना बनाने वालों को पता है और ना हमें पता है जी, कि हमारे यहाँ मुल्क में मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जो है मौसमी हालात होते हैं, तो उसके साथ इसके ऊपर क्या आएंगे। उसके बाद जब उनको मशीन दी गई तो उन्होंने कहा इस मशीन को तो अभी हमने चेक ही नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में हम अपना क्या अपना व्यू दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसी अपना मौसमी हालात हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटरनेट जो है इसको जब तक इंटरनेट से लिंक नहीं हो तमाम की तमाम मशीनें, तो ये सारा सिस्टम बेअसर हो जाता है।
उसके बाद यह है कि हमारे कई इलाकों में तो इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है जहाँ इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, कई इलाकों में बिजली भी नहीं है जी। और फिर यह है कि हमारे यहाँ इंटरनेट और बिजली के निजाम में इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि उस दिन 2-3 घंटे भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो सारा किया किराया जो है वो पीछे कराया जाता है। अब इंटरनेट के ऊपर स्पीड की बात करते तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सख्ती के अल्फाज नहीं है। आप ये देखेंगे पिछली गवर्नमेंट ने पे पाल वालों को परसू किया था कि वो पाकिस्तान में आकर अपना ऑपरेशन जो है जारी करें जी। पे पाल की टीम पाकिस्तान गई, उन्होंने वहां पे अपना रिसर्च की तो उन्होंने कहा जी आपका इंटरनेट की स्पीड जो है कंपेटिबल ही नहीं है हमारे सिस्टम के साथ कि हम अपना अपना निजाम जो है यहाँ पे चला सकें, इसलिए हम यहाँ पे ये बिजनेस नहीं करना चाहते। तो पे पाल के ऊपर तो 100 और 1000 की ट्रांजेक्शन होंगी, तो ये अपना जो ईवीएम है इसके ऊपर एक दिन में करोड़ों के हिसाब से जो है वो ट्रांजेक्शन होनी है, तो उसका लोड जो है वो ये कैसे अपना बर्दाश्त कर सकेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने जो पहले मशीनें मंगवाई थी आज से काफी अर्सा पहले जी। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें हुकूमत ने दी तो हमने एक इंटरनेशनल फर्म हायर की, उसको हमने उसका फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा, तो उसने जो फाइंडिंग दी थी वो हमने हुकूमत को भेजी और काफी अर्सा हो गया हुकूमत के पास वो पेंडिंग पड़ी है, हुकूमत ने हमें अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दिया। तो ये बात यह है, ये तो होगी टेक्निकल बातें। उसके बाद ये है कि मेन चीज होती है कि मशीन के पीछे जो चलाने वाले हैं उनकी इंटेंशन क्या है। सर एक और बात मैं भूल गया, तो जहाँ पे 3 लाख पोलिंग स्टेशन बनने हैं वहाँ पे मिनिमम अगर एक स्टेशन के ऊपर एक बंदा भी हो तो 3 लाख बंदे आपको आईटी के रिलेटेड बंदे चाहिए। एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 3 लाख बंदा आपको आईटी रिलेटेड बंदा चाहिए। आप जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता, ये इलेक्शन के दिनों में कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई गवर्नमेंट डिमांड से दो दोस्त लेके आता है और उसके इलाके के लोग होते हैं ताकि इजीली अवेलेबल होते हैं। चलो एक सेकंड होल्ड कर लेना, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी जी हेलो, जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं कह रहा हूँ इससे परेशान होने की बात इसलिए नहीं है और खुशी की बात है, जितने पैसे भी लगे हैं जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं ना, ये लोग ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जब नहीं चाहेगी तो इलेक्शन कमीशन भी चाहेगा। तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हो, जब मियापन क्या कहते हैं मियापन भाई क्या वो एक जिंदा कहा ना कि पियामन भाई, जब पियामन भाई तो आप क्यों सोच रहे हैं पैसे भी आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन सीधा करेगा उस वक्त और बोलेगा गो अहेड, आप जब पियामन नहीं भाएंगे तो फिर मसाइल आएंगे। इसकी डिटेल में नहीं जाए, एंजॉय करें इसको कि अप्रूव हो गया बिल, पहला स्टेप ही यही होता है कानून बनाने का, इसमें यही होता है कि भाई एटलीस्ट इसने बिल अप्रूव किया, अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो होगा वही होगा बकौल आप लोगों के एस्टेब्लिशमेंट चाहे, इसमें वरी नहीं हो, एंजॉय करें और खुश हो जाए। इमरान खान ने आपके बिल जो है ना वो मुंह पे मारा है पास करके कि आप लोग कहते थे कोई बिल नहीं पास कर सकता, आपको आगे जो हो इट इज अनक्लियर, इसने पहले एक बिल पास कर दिया, आप आगे भी ये फॉरवर्ड होगा और आप देखिएगा कि ही इज गोना बी गुड। थैंक यू जी। हेलो जी, अच्छा जब भी कोई, पहले तो आपको सलाम और आपके तमाम नाज़रीन को सलाम जी, वालेकुम सलाम। आज ऐसे वाकई में तमाम दुनिया से इतनी खुशी का इजहार किया गया कि उन्हें भी वोट डालने का हक मिलेगा, यकीन करें हर चैनल पे मैंने देखा उन इंटरव्यू मेरे, तो यकीन करें कुछ मैं उन सब के को यानी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इमरान खान के इस फैसले को सराहा, यकीन करें। तो आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान का फैसला पूरा तकमील तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जो अभी हालात हैं, जो अभी हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो उसमें तो नहीं लगता कि अपोजिशन किसी को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। अभी देखिए एक ने जो फिगर दिया तो वो राइट फिगर दिया है कि इतना करोड़ों रुपया चाहिए, अभी आप देख रहे हैं मुल्क में तो पैसा है ही नहीं, तो ये पैसा सवाल पैदा होता है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ बताएं कहाँ से आएगा इतना पैसा, इलेक्शन आधे पैसों में भी हो सकते हैं। आपकी जो
ये है कि वोटिंग दो मरहलों में कर ली जाए, तीन तो देखिए आप ये तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे फेयर और शफाफ इलेक्शन होंगे अगर मशीन तो है आप ये आप नहीं पहले भी नहीं होते थे मगर ये देखें नहीं पहले भी नहीं होते थे देखें मैं मानती हूँ पहले भी इलेक्शन मगर आप ये देखें कि अगर सिर्फ ओवरसीज के बोर्डो से वजी अजम इमरान खान दोबारा से आ जाते हैं और मुल्क में यही कशमाकश चलती है यही हालात चलते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये मुल्क के हालात क्या मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा नहीं जाएगा सवाल ये पैदा होता है। यही ना वो जाना नहीं चाहते वो उनको जोड़ना नहीं चाहते वो उनको रखना नहीं चाहते तो आप ये नहीं आपको नहीं लगता कि इमरान खान को कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है आपको नहीं लगता इमरान खान को कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है नहीं मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपको नहीं लगता कि वजी अजम इमरान खान को कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है आपको नहीं लगता ये चीजों में कुछ भी नहीं कोई यूज नहीं कर रहा कुछ भी नहीं हो रहा और जो बात अभी कही कि ये इसमें तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है पहली बात अच्छा फिर कहा गया कि बिजली भाई बिजली ये इसके अंदर जो बैटरी है आपको पता है लोग ये भी कह रहे हैं तजिया निगार 14 घंटे आपको पता है लोग तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि आप ये देखें कि इस मशीन में जो भी सॉफ्टवेयर लगा दिया जाएगा उसी तरह अगर वो चाहेंगे पीटीआई को या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी क्या कहते हैं ना अपोजिशन को इतने वोट मिले तो वो वोट आगे निकल जाएंगे एक वोट डलेगा वो आएगा उसके बाद वो चार क्लिक करके चार आगे आ जाएगा तो समझे जी तो क्या क्या कुछ होता रहा आपके मुल्क में 18 लाख तो वो पिछली दफा जाया हुए हैं राइट ये हम मानते हैं कि वो मगर अभी भी तो कुछ बेहतर नहीं हो रहा अभी भी तो सेम ही चीज हो रही है देखिए सवाल पैदा होता है कि अभी भी तो सेम वही चीजें हो रही हैं सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे वो तो हुकूमत तो ये कह रही है हमारे पास आए अपने जो पॉइंट्स हैं लेके तो ये इलेक्शन कमीशन ने भी ये बातें की हैं तो उनका आंसर दिया जाएगा ये कोई रातों रात कल तो नहीं इस पे इम्प्लीमेंट हो जाना जी वो तो आप सही कह रहे हैं कि कल तो नहीं होगा नहीं आपकी बात एग्री करते हैं कि आप सही कह रहे हैं कि कल तक नहीं होगा कोई भी सिस्टम आता है मगर आपको नहीं लगता ये सिस्टम आने से पहले एक डेमो बनाना चाहिए था अपोजिशन के सामने रखना चाहिए था जो यहाँ पे आ रहा है ना जी आपको बताऊँ अपोजिशन के लिए जो सबसे बड़ा मसला 20 से 30 सीटें वो इमरान खान के हक में जाने के लिए जाएंगी उस पर सबसे ज्यादा मुसीबत आई हुई है ये ओवरसीज कहाँ इन्हें मशीन से भी मसला नहीं है मैं आपको बताऊं अगर आज ये कहते ना इमरान खान के ठीक है ओवरसीज ना वोट डालें तो यकीन करें ये खुशी खुशी मान लेंगे असल मसला यही है कि जो 20 से 30 सीटों में फर्क पड़ेगा ओवरसीज से उस पर मसला है इनको जो सारी जिंदगी उनसे फायदा उठाते रहे उनके वोट डाल देते थे मुर्दों के वोट डले हुए होते थे लाखों वोट जाया होते थे जी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक होगा अच्छा आज मैं आपको एक बात बताऊं मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ को सबसे पहले इमरान खान को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका भाई भी ओवरसीज में रहते हुए वोट डाल सकेगा ये कितनी बड़ी बात है सोचें जरा उसके बेटे वोट डाल सकेंगे मतलब ये ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा कि वहां से नवाज शरीफ वोट डाल सकेगा तो ये मुबारकबाद का वाकई में इमरान खान मुस्तहक है और उसको देनी चाहिए चले बहुत सारी कॉल आ गई बहुत शुक्रिया जी थैंक यू जी एक मिनट के लिए होल्ड करें जी एक सेकंड जी हेलो जी एक सेकंड मेरे साथ अभी पाकिस्तान से कॉलर है एक सेकंड जी हेलो मुझे एक सेकंड हेलो जी हेलो सलाम समीना वालेकुम सलाम ये पाकिस्तान गई हुई है सिस्टर तो आप वहाँ से फोन किया तो कम से कम इनको ले लें पहले फिर आपको लेते हैं जी हेलो जी 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 अच्छा थैंक यू ये पाकिस्तान से देख रहे कितनी मोहब्बत है इनको शो से कि पाकिस्तान में इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के शो देख रही हैं और शो में शामिल हो रही हैं ये देखे रियल कॉलर हैं ये मेरी बहुत पर्सनल कॉलर बन गई है ये देखे शो से इनको मेरा सलाम है ये जेन्युइन पाकिस्तानी है मैंने कहा ना आए इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा होल्ड कर लें हमेशा कंस्ट्रक्टिव ये बात करती है और पाकिस्तान के लिए फेवर वाली बात करती है चाहे कुछ भी थैंक यू गो अहेड चलें जी हेलो जी बस बहुत शुक्रिया मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और समीना मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा रहता कि अगर इमरान खान साहब की पूरी काबीना के अराकीन समेत और टोटल इमरान खान साहब भी वो इस बात पे जोर क्यों नहीं देते कि भाई अगर ये सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं तो ये सिस्टम जो है हमारा मकसद जो है इस सिस्टम से आवाम की कोई भलाई है ये तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा ना ही आवाम का कोई जिक्र आ रहा है सिर्फ जो सीटें नहीं जीती हैं उन सीटों को जीतने का जिक्र बार बार आता है अब आप मुझे बताइए
बताइए कि आप यहाँ पर तो आवाम की हालत क्या हो रही है समीना, मैं तो बहुत हैरान रह गई हूँ। ये जिस जो हम बात करते थे वो बातें तो बातें, इतनी ज्यादा यहाँ पर सिचुएशन इतनी अजीब गरीब है। कराची को तो पूरे एक, मैं कहती हूँ कराची को तो बर्बाद किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के तहत। अब तो यहाँ पर गैस मिलने के भी लाले हो रहे हैं कि टाइमिंग से गैस भी मिलेगी। अब हम मुझे बताइए कि गैस ही मिलेगी तो ये क्या लकड़ी पे चूल्हे, लोग अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं वो किस तरीके से लकड़ी के ऊपर खाना पकाया करेंगे? तो हम तो पत्थर के दौर में वापस जाने वाले हैं और तरक्की की जो झूठे काम हमें दिखाए गए थे वो किस तरफ है? कोई विफाकी हुकूमत का कोई अगर अमल दखल नहीं है, आप सिस्टम को दुरुस्त कैसे करेंगे? पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम आया था तो ये बात बताई गई थी कि भाई कंप्यूटराइज सिस्टम पे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं की जा सकती, लेकिन सोचने की बात है कि वो सिस्टम पे इंसान ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, जब तक इंसानों का अपना दिमाग दुरुस्त नहीं होगा, वो किसी चीज पे किसी कानून पे जो है वो जो भी कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा होगा, तो आप कोई सा भी सिस्टम लेकर आ जाए ना ही सिचुएशन दुरुस्त होगी, ना ही मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे, ना ही आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा और ना ही आप अपने वादे पूरे करने में कामयाब होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम लेके आने से भी आपको कुछ बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि यही जो अफरा तफरी चल रही है इसकी शक्ल जरूर तब्दील हो जाएगी, क्योंकि लोग उस पर भी सवालात उठाएंगे, उस पर भी इतराजात उठाएंगे और आवाम के हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। एक एक करके आप यकीन करें जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई थी वो सारी एक एक करके गिराई जा रही है, बार बार नोटिस पर नोटिस जारी हो जाता है। वो जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उनको बनाने के पीछे किसका हाथ था, कौन लोग थे? विफाक ने सिर्फ ये समझाया कि इस्लामाबाद और वो मेन जो जगह है वही उनके अंदर कंट्रोल है, वो सिर्फ उधर ही हुकूमत करना चाहते हैं और सिर्फ अपोजिशन को हराना चाहते हैं। मेरी तो इमरान खान साहब से यही दरख्वास्त है कि सिर्फ अपोजिशन को हराने से काम नहीं बनेगा, जरा आवाम के दिल जीतने की कोशिश करें। आवाम के जनरल मसायल हल करने के लिए आपने जो बातें जो वादे किए थे वो दावे किए थे वो कहाँ पर है? आप यकीन करके सिचुएशन अच्छी नहीं है और मुल्क वाकई अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ एक लड़ाई, सिर्फ एक इस तरफ से लड़ाई होती है, दूसरी तरफ से लड़ाई होती है, आवाम बिल्कुल साइड पर है, ना ही हुकूमत को कोई इस चीज से इंटरेस्ट हो रहा है कि आवाम का कोई फायदा हो जाए, उनको सिर्फ अपनी सीटें जीतनी है, ना अपोजिशन को इससे कोई मतलब है कि आवाम का कोई फायदा हो जाए, उनको सिर्फ अपनी सीटें जीतनी है। अगर जीतना है तो आवाम का दिल जीता है, जैसे कि सरीना आपने हमारा दिल जीता है इस शो के जरिए। मैं यही कहूंगी कि यार ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉलर्स को इस शो में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बात करके शायद कोई ऐसी मामला लोगों के समझ में आए कि हमारे मुल्क का कोई फायदा हो सके। यही कहना चाहती हूँ समीना, बहुत अपना ख्याल रखिये, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़ी रही शो से, इसी तरह आपकी हालात पता चलते रहते हैं, मुल्क की बेहतरी का पता चलता रहता है। जी हेलो जी, थैंक यू सो मच जी। बोले पहले तो होप फॉर द बेस्ट, और जितनी भी बिल्डिंग गिराई जा रही है ना अदालत के हुक्म पे, इसमें इमरान खान नहीं है। अच्छा आखिरी बात ये देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो बिल पास किए गए इसमें बहुत ज्यादा बदमजगी पैदा हो गई है, और जब बदमजगी पैदा हो जाती है तो मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाता, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, आने वाले दिन हुकूमत के लिए आसान नहीं होंगे, लोगों की ये पेशन गई है। अब आप बता दीजिए क्या हर लिहाज से हुकूमत मजबूत हो गई है क्या इन चक्करों में, या आपको लगता है कमजोर हुकूमत हो चुकी है? सवाल आपसे है जी। शिबली फराज ने चैलेंज किया है कि इस मशीन को कोई हैक करके दिखा दे 10 लाख रुपए इनाम देंगे, अभी तक कोई नहीं आया सामने। इसको हैक करके दिखा दे, इस पे जाली वोट डाल के दिखा दे, 10 लाख रुपए बोला गया है शिबली फराज के दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ ओवरसीज से वोट लेने के बाद क्या सियासत को ये एक मजबूत बना सकते हैं, सियासत अपनी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? सिर्फ ओवरसीज से वोट लेकर क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, या सिर्फ यही है कि बस ओवरसीज से वोट ले लिया जाए? सिर्फ ये बताएं जरा, मेरा सवाल तो आपसे। आप वोट लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर आगे। अब आप देखें जो मेरे कॉलर एक आगे कहते हैं, देखिए मेरे कॉलर कहते हैं, देखिए आपको शायद यह पता नहीं चल रहा, वज़ीरे आज़म इमरान खान को यूज किया जा रहा है। जिस तरह कल आसिफ जरदारी ने कहा था, उनके अल्फाज पे गौर कीजिए, ये जो बीज बोला जा रहा है इसका फल कोई और ही खाएगा, और जो इन लोगों को लेकर आया वो इनसे काम करा रहा है, उनको चाहिए, इमरान खान एक अच्छे इंसान है, एक ऑनेस्ट इंसान है, लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपने माइंड को भी यूज करें, कम से कम जिस नारे से और जिस वादे और दावे से आए थे वो वादे और दावे पूरे करके दिखाएं अवाम को, ताकि अवाम के दिलों में जिंदा रहे। चले जाना तो किस्मत की बात है। ये कौन कह रहे हैं? ये तो मैं आपको बोल रही हूँ, कौन कह रहा है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया, देखिए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध में, आप एक बात सुने, मैंने जरदारी की कल की मिसाल दी है, जो जरदारी ने कल आके बिल पास हुए वो बताया।
आप देखे ना एक हारे वैसे आप, मगर मैं आपसे एक बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया कि सिंध में कोई ऐसी जो एस्टेब्लिशमेंट ये काम करा रही है वजह से इमरान खान से, तो मैं हम साफ तरीके से कहते हैं इन बूट वालों से इनकी ये चलाकी सिंध में नहीं चलेगी। तो अब आप बताएं मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, गौर तो करिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हाँ मौका दे रही हूँ मैं आपको, दोनों लंगड़े घोड़े हैं, रेस में हार जाते हैं। ये हाथरसी चेयरमैन बगैर डेमोक्रेसी के है, बगैर जमहूरियत के सरकारी, जिसने सिंध तबाह कर दिया 10% जो इस वक्त अपने केसेस इन तारे, इनकी तो मिसाल देखे ना हमेशा, उनकी मिसाल आपको शायद पता नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एस्टेब्लिशमेंट से जाके हाथ मिला लिया था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम आपको वजीर आजम बना भी देंगे, तो मगर हम ये नहीं चाहते कि सारा निजाम मौलानाओं के हत्थे चढ़ जाए, इसलिए आपको तो वजीर आजम बना ही नहीं सकते। सीधी बात है, ये देख लें एस्टेब्लिशमेंट, जो मेरे कॉलर आके बात करते ना कि सारा काम ही एस्टेब्लिशमेंट का है। जो एक कॉलर ने कहा था कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो अगर पिया को भा गई है दुल्हन तो ये आगे तक चलाएंगे और 5 साल और पूरे कराएंगे, मगर आप ये देखें गरीब आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। अगर आप लोग भी अपने मैसेजेस सही तरीके से रिकॉर्ड करें, आपके पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, पर आप लोग भी कहीं सही से बात नहीं करना चाह रहे, सही गौर नहीं कर रहे इन सब चीजों पे। अगर गौर करें आप एक दफा छोड़ दें कि कौन नवाज शरीफ, कौन जरदारी, कौन बिलावल भुट्टो, कौन मरियम नवाज साहिबा, आप सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात करें, मुल्क के लिए सोचें, कौन है वजीर आजम इमरान खान, सिर्फ मुल्क के लिए सोचें और उनके लिए अच्छे अच्छे मैसेज करवाएं। आपको नहीं लगता वजीर आजम इमरान खान के साथ जितनी भी टीम है वो किसकी टीम है, कहाँ काम करती रही है, वही वजीर आजम इमरान खान के साथ बैठी हुई है और कैश करवा रही है। इमरान खान का अभी भी मैं बैठ के कहती हूँ और शुरू से कह रही हूँ कि वजीर आजम इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है, मगर उनको थोड़ा सा माइंड खोलने का जरूरी है कि वो अपने दिमाग को खोलें और आंखों से देखें लोगों को कि लोग क्या करवा रहे हैं उनसे। वो ये करने नहीं आए थे, वो जो वादा करके आए थे, जो दावा करके आए थे, उस पर अगर गौर करें तो यकीन कीजिए बहुत कामयाब हो सकते हैं वजीर आजम इमरान खान को। क्या 10 साल, क्या 50 साल लोग है ना इनको हुकूमत करने देंगे। बिल्कुल आपने जबरदस्त तजिया किया है, ये इससे कोई दो राय नहीं है और सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क कैसे हालात चेंज हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए हमें, उस पर बात करें। अब हालात कैसे चेंज होंगे, सिंपल है, आप है ना मोरूसियत को दफरा दे तो आपकी नई तब्दीली आएगी, नई सोच आएगी, आप ये देखेंगे नई सोच। एक सेकंड होल्ड करें जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ इस बात से जी, तो लाइन ड्रॉप हो जाती है जब होल्ड करो। जी हेलो जी, जी सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम जी सिस्टर, आप क्या कह रही हैं, आपका टॉपिक है ये इलेक्शन 2023 का, जो है वो वोटिंग जो उसके जरिए होगा, मशीन के जरिए होगा। जी मैं पूछ रही हूँ, सवाल है मेरा अच्छा ईवीएम से होगा या क्या ना, क्या कहते हैं कामयाब हो जाएंगे वजीर आजम इमरान खान का ये जो ख्वाब है ये पूरा होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जी वही मैं सुनना चाह रही हूँ, 2023 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सही है जी जी जी, जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं इनके, जी जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर ये इलेक्शन हो गया ना तो इमरान खान साहब न्याजी की मैं गुलामी कर लूंगा, समझे आप, उनके कुत्तों की पॉलिश करूंगा, मालिश करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज एतजाज अहसन ने जो आपको पता है पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर हैं, सही है, उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि ये 2023 का इलेक्शन जो है वो मशीन के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि ये बिल इन्होंने पहले आर्टिकल 218 इन्होंने तोड़ा है। पहली बात तो ये कि उस अगर आप आर्टिकल 218 पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की उस पर इलेक्शन होगा, सही है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है, इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है इससे नाराज है इस मशीन से, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ये मशीन से होना भी होगा, क्योंकि इसके लिए इनको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, एक मशीन तो दी चाहिए, आपको पता है कि इसके लिए हजारों मशीनें चाहिए। अभी तो बट साहब ने पूरा फिगर बताया आपने, 1 लाख तो आपको पता है पोलिंग स्टेशन बनते हैं इलेक्शन के लिए, 1 लाख, तो आप उनके 1 लाख में आप मशीनों का अंदाजा लगा लें कि कितने लाख मशीनें चाहिए लोगों, और उसके लिए ट्रेनिंग बंदे चाहिए, और ट्रेन बंदे भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यही बात बोली है, उन्होंने ये कहा है आज का जो वो आता है ना टीवी के ऊपर नाइट, जी जी जी, नाइट शो जो किसी औरत के साथ है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं अपनी वकालत जो है वो छोड़ दूंगा अगर उन्होंने 2023 का इलेक्शन इस पे करा लिया। उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है एतजाज अहसन ने। दूसरी बात ये देखिए सिस्टर, आज 5 लोग कश्मीर में शहीद हुए, सही है, ये इमरान खान नियाजी ने एक जुमला मुंह से नहीं निकाला या उनकी किसी कैबिनेट ने,
बच्ची आके आप देखें खबरों में दिखा रहे हैं कि बच्ची वो बेचारी रो रही है, यतीम हो गई, एक बीवी बेचारी, एक औरत बेचारी बेवा हो गई। सही है, 5 लोग शहीद हुए हैं और उन्होंने उनकी लाशें देने से भी मना कर दिया है इंडियन फौज ने, और ये क्या कर रहे हैं, कुलभूषण को NRO दे रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम ये पहले कहते थे कि मैं कश्मीर का नुमाइंदा बनूंगा, मैं इनकी जंग लड़ूंगा, ये जंग लड़ी जा रही है कश्मीर से, आप देखें आप कश्मीर वाले कश्मीरों के लिए। तो ये इलेक्शन जो है कि सिस्टर, ये बिल्कुल बेकार की बहस है। ये इलेक्शन 2023 का ये कयामत तक नहीं करा सकते वो इसके मशीन के जरिए। हाँ, फ्यूचर में कभी हो सकता है, मगर 2023 22 का नहीं होगा, 32-34 का हो जाए तो हो जाए, 2023 का इलेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, आने वाले दिन हुकूमत के लिए कमजोर होंगे या हुकूमत के लिए वो होंगे? सिस्टर हुकूमत के लिए तो कमजोर होंगे, आज देख ले किसी भी टॉक शो में। अच्छा, आज आपने उनकी एक और बात देखी आपने, फवाद चौधरी की, जी उन्होंने क्या बोला, फवाद चौधरी तो हर 2 मिनट के बाद अपना बयान चेंज कर देते हैं। आप ये देखिए रियासत को उन्होंने कह दिया कि इतनी कमजोर है कि वो इन तहरीक लब्बैक का मुकाबला नहीं कर सकी। जी जी जी, हाँ ये कहा उन्होंने, जमातों को ये इंडिकेशन दे दिया कि आप भी जब चाहो आके लोग जमा करके बैठ जाओ, ये हुकूमत इतनी कमजोर है, आप इससे अंदाजा लगा ले, ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि उन्होंने उनके मिनिस्टर आके ये बात बोल रहे हैं कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान के ये हालात चल रहे हैं सिस्टर जी, और वो एक मशीन को लिए बैठे हुए जी इलेक्शन जो है वो शफाफ हो जाए, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई अल्फाज नहीं है कि वो किस घर घर जाके किस तरह वोट मांगे। तो आप ये देखें कि इलेक्शन मशीन से, लोग कह रहे हैं कि कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते मशीन से, जो लोग अर्जिया कर रहे हैं आके बैठ के, आपने भी सुना होगा देखिए ना, नादरा का आज वो ऐसा निकाल साहब ने बोल दिया नादरा वालों को के यानी आयन तोड़ने मुताबिक होगा, अगर उन्होंने पूरा डाटा उनको हुकूमत को दे दिया। अब आप ये देखिए ना, आपका नादरा, मेरा नादरा, किसी का नादरा महफूज ही नहीं है। एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये कह रहा हूँ कि 14 लोगों को गोली मारी गई थी और प्रेगनेंट औरतों को गोली मारी गई थी, तो वजीर आजम नवाज शरीफ था, वजीर आला टीवी शरीफ था, टीवी पे बैठ, ये टीवी पे देख रहे थे कितने आदमी मरे, 250 लोग है ना कराची में गारमेंट फैक्ट्री में आग लगा और वो फायर हो गए, किसी ने नहीं पूछा। और ये फिर इमरान खान को बोल रहे हैं कि 5 लोग कश्मीर में, तो ये सारा अकाउंट घुमा के वही लेके आए थे पहले वाले के हिसाब से, फिर इमरान खान है, इमरान खान का 5 साल होगा तो आप ये ले आइएगा किस्सा। तो पहले ये बताया कि वो वजीर आजम कौन, इवन उन्होंने ताजियत तक नहीं की थी, नमाज जनाजे में दोनों नहीं गए थे। थैंक यू सो मच। जी हेलो, जी हेलो, हाँ जी, कुछ लोगों को बस एक पुराना बाजा बनाना बजाना आता है, वही किसी पिटी बातें, 14 गोलियां सिंध में ये हो गया, फलां जगह हो गया, अब खुदा रहा इस बाजे को जो है आग लगा दे, कोई नया बाजा खरीद दे, मतलब है कि कोई खुदा होती होती है, लोगों के कान जो है वो ये सुन सुन के अपना हो गए हैं। अच्छा, आ जाते हैं इसके आपके मौजू की तरफ, और फिर जो है उन बातों का मौजू से तलक भी नहीं होता, लोगों का खाम खा के टाइम जाया करते हैं। अब आ जाते हैं आपके मौजू की तरफ, देखे किसी भी सिस्टम को चलाने की सबसे बेसिक चीज होती है, बेसिक चीज होती है इंटेंशन। आज वजीर आजम का आपने बयान सुना होगा जी, उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है, जर्मनी में भी होती है, ये अल्फाज है उनके। और कल सारा दिन मीडिया के ऊपर हर पार्टी का लीडर जो है ये मेंशन कर रहा था कि जर्मनी में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को बैन किया कि ये नहीं इस्तेमाल किया जाएगा मुल्क में जी। हमारा वजीर आजम जठाई से झूठ बोलता है, जब मुल्क का वजीर आजम जठाई से झूठ बोलता है तो वो उस सिस्टम के ऊपर अवाम कैसे बिलीव जी, उस सिस्टम के ऊपर अवाम कैसे बिलीव करेगी जिसकी वो हल कर रहा है। दूसरा यह है कि आयरलैंड में 54 मिलियन यूरो खर्च करके ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सिस्टम राइज किया गया, सिर्फ 2 साल के बाद ही जो है वो नकारा कर दिया गया, और 9 रुपए फी यूरो जो है 9 यूरो फी किलो के हिसाब से उसको उन्होंने सेल कर दिया जी। तो या तो है ना कि ये सिस्टम कोई नया हो, आपने तजर्बे करने हैं, सारी दुनिया में तजर्बात हो चुके हुए उसके ऊपर, तो जब तजर्बात हो चुके हुए हैं तो आप वो $1.5 बिलियन खर्चने को ऊपर तैयार हैं, आप 1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट रिलीज कराने के लिए IMF अपना तलवे चाट रहे हैं।
और عوام के ऊपर हर रोज नया टैक्स लगा के उनकी जिंदगी जीरन कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना पैसा खर्चने की लाजिक क्या है। और फिर ये होता है कि जब सिस्टम जो है वो सारे फ्रीक जब उसके ऊपर राजी हो तभी वो चल सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक फ्रीक अपनी मनमानी करे और पूरा मुल्क जो है वो चल पड़े। मुल्क में बहुत सारे अपना सेगमेंट्स होती हैं, खाली पार्टियां भी नहीं होती हैं। तो अपना प्रेशर ग्रुप्स भी होती हैं, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं। जब तक ये सारे लोग इत्तेफाक के राय नहीं करें तो कोई निजाम नहीं चल सकता। थैंक यू जी। जी जनाब जी, अच्छा अभी एक साथ कह रहे थे ये बाजा बजाना बंद करें, इनके घर के लोगों को गोलियां लगी होती ना तो फिर मैं पूछता इनसे तकलीफ क्या चीज होती है और दर्द क्या चीज होता है। इनके घरों वालों को लगी है ना गोलियां और दुनिया से गए, उनसे पूछे जाते। बातें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कर देते हैं, ये नहीं पता होता कि क्या मैं ऑल कॉल बक रहा हूँ। मतलब किसी की इतनी दिल आजारी करना, क्या इनको जेब देता है ये? मतलब शर्म आनी चाहिए अपने अल्फाज अदा करते हुए के, मतलब जिनके लोगों को गोलियां लगी ऐसे इनके इनके घर के लोगों को गोलियां लगी होती है ना तो फिर मैं पूछता कि दर्द क्या चीज होती है। जी हेलो जी, हेलो जी जी, कश्मीर मौजूद नहीं है, इनके फ्रेंड ने कश्मीर का मौजूद छेड़ा था तो आप उन्हीं को बोल देते हैं कश्मीर को कहाँ से लेकर आ गए, तो उसका जवाब है जी जी जी, उसका जवाब मैंने मॉडल टाउन दिया कि पांच आदमी की तकलीफ है तो वहाँ 12 को कौन पूछता? वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आपके कान थक गए सुन के, लेकिन जिनकी जो लोग भरे ना उनके घरों से जाके पूछे कि जी वो किस तकलीफ है, प्रेग्नेंट औरतों के पेट पे और मुंह में गोली मारी गई है, आपको तो खुशी बना रहे कान थक गए। आप उनसे कुछ 250 लोग जो गारमेंट फैक्ट्री में चले थे, एक सेकंड जी हेलो जी जी सिस्टर, ये अभी आपने देखे कॉलर ने आगे कितनी बदतमीजी की और घटिया बात करी है कि इतना जाहिल इंसान है ये जो आता है इंग्लैंड से, मेरे पास कॉले आई है जो आदमी आके बोलता है कि वो कह रहे हैं कि उनके घर वालों को गोलियां नहीं लगी हैं। आप इनकी जहालत का, इसकी जहालत का इस आदमी की आप अंदाजा लगाइए कि वो एक कॉलर के घर वालों को कह रहे हैं कि घर में गोलियां नहीं लगी हैं। आप तो सिस्टर प्लीज, आपको उस आदमी को ना रोकना चाहिए था, इतना जाहिल आदमी है ये कि उसके दूसरे कॉलर के घर वालों को खुदा ना खास्ता बदवाएं दे रहे हैं वो। देखिए मैंने तो कितनी दफा आप लोगों को शुरू में कहा है वजीर आजम इमरान खान की मोहब्बत में इतने दीवाने ना हो, ना अपोजिशन की मोहब्बत में इतने दीवाने होंगे, आप लोग कॉलर के ऊपर चढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने इमरान खान का तो सुनिए ना सिस्टर, अब आप यही एक सेकेंड, आप भी लैंग्वेज से आप भी लफ्जों का चुनाव सही अदा करें। जी जी जी, अभी इससे प्रीवियस कॉलर ने जो बातें की आपने सुनी थी? जी बहुत गलत बातें की, इसीलिए मुझे लग रहा था आपने आपने उनको रोका तक भी नहीं। मैंने लाइन ड्रॉप कर दी, इसी वजह से मैंने दूसरी लाइन ले ली, ऐसे कि वो एक लफ्ज को बहुत बहुत रिपीट करते मैंने ड्रॉप कर दी। इसलिए मैं देखे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कॉलर पे नया चढ़ के बातें करें, कॉलर कुछ भी बोल रहे हैं आप अपनी बात करें, आप वजीर आजम इमरान खान के लिए बोले, आप नवाज शरीफ के लिए बोले, आप जो बोलना है बोले, पर आप कॉलर के ऊपर नहीं, मैं आपसे ही बात करूंगी, पर कॉलर के ऊपर आके आप लोग जब बात करते हैं ना बहुत गलत लगता है, कॉलर के ऊपर ना जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अभी देखें ये वाले दूसरे कॉलर भी कॉलर पे जा रहे थे, अभी वजीर आजम इमरान खान को बोल रहे थे कि मैं लैंग्वेज गलत यूज करते हैं। देखें चाहे कुछ भी हो, हम ये कह सकते हैं वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी सही नहीं है, काम सही नहीं कर रहा है, उनको गौर करना चाहिए। मैं भी बोल रही होती हूँ, बैठ के बात कर रही होती है, पर ये नहीं कि आके कहें कि वो इमरान खान कुत्ता, इस तरह की लैंग्वेज देखें, थोड़ा ख्याल करें लफ्जों का चुनाव। अभी वो यही बोल रहे थे जिसकी वजह से मैंने उनकी लाइन ड्रॉप की, उसके बाद दो कॉलर और आ रहे हैं। तो ये मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि खुदा के लिए कॉलर की पर्सनल लाइफ पे ना जाएं, कॉलर की लाइफ पे ना जाएं, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ, इस पे बात हो जाए। अब वो कश्मीर पे लेकर आ गए भाई, कश्मीर के 6 लोग मारे गए, वजीर आजम इमरान खान ने एक चीज भी लफ्ज नहीं बोला, तो बोलना चाहिए। अब जैसे अगर पुराने लोगों ने जो किया वो क्या ये हुकूमत में भी ये भी वही करेंगे? तो आप लोग उनको बोलते रहेंगे कि पुराने लोगों ने ये किया तो आप ये भी आए तो ये भी वही करेंगे? तो इन्होंने तो वादा किया था ना आवाम से, एक नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, तो कहाँ चला गया वो नया पाकिस्तान? क्या नए पाकिस्तान में वो पुराने लोगों को रोते रहेंगे कि पुराने लोगों ने ये किया तो अब हम भी यही करेंगे? तो ये आप लोग आके मैसेज अच्छा दें खुदा के लिए, मगर आप लोग खुद गलत पटरी से उतर जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं जज्बात में आके, ठंडा पानी पिया करें थोड़ा सा। अगर इन्होंने इंसाफ देना ही है तो भी TLP की तारीख में ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले 7-9 पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो आप पहले उनका हिसाब लगा लें कि जिन्होंने शहीद किया उनको तो अपना जो है कैफे किरदार तक पहुंचाए। दूसरी बात यह है कि ये भी जो कश्मीर की बात हो रही थी वो वीडियो आज बहुत वायरल है, उसमें 7 बंदे बशमूल एक बच्ची के शहीद हुए,
और उसमें अपना तकलीफ दे पहलू ये है कि उनकी लाशों के ऊपर जो है वो एक इंडियन फौजी जो है मुस्कुरा रहा है, जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल है कि वहाँ पे 7 कश्मीरी शहीद हो गए और एक इंडियन जी जी 7 कश्मीरी शहीद हो गए, नहीं 7 कश्मीरी शहीद हो गए, क्या कह रहे हैं आप एक दफा और दोबारा से प्लीज। और इंडियन फौजी उनके ऊपर लाशों के ऊपर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, और इधर हम जो है कुलभूषण के हक में कानून पास करके हम शादियां बजा रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी बेइज्जती की इंतहा जो है। उसके बाद आ जाते हैं वो फिर आपके मौजू की तरफ, कहा गया जी कि इसके लिए तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इंटरनेट ना भी हो तो तब भी मशीन का सिस्टम जो है वो करप्ट हो सकता है। इसके बारे में मैंने आज आपके आवाज अपना एंटरटेनमेंट के फेसबुक ग्रुप के पेज के ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो जाके वहाँ पे देख लिया। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हरि प्रसाद की एक वीडियो है जिसने इंडियन सिस्टम को करप्ट करके दिखाया, हैक करके दिखाया और करप्ट करके दिखाया, और उसका दावा है कि मुझे $10 और पता नहीं 1 घंटा चाहिए, मैं इस सिस्टम को मैं करप्ट कर दूंगा। तो दावे करने का कोई फायदा नहीं होता। दुनिया में जो तजर्बात हो चुके हुए हैं उसके पेश नजर नए तजर्बात जो है वो नहीं करने चाहिए। उसके बाद ये है कि इंटरनेट ना भी हो तो तब भी ये सिस्टम जो है वो करप्ट हो सकता है। सही कह रहे हैं जी। हेलो जी जी जी, सलाम अलैकुम। कश्मीर मौजू नहीं है, फिर कश्मीर पे आ गए, खुद ही बोलते हैं कि मौजू पे बात करनी चाहिए, खुद ही आउट चले जाते हैं। अब ये देखें कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, मैंने कहा ना शिपली फ्रांस ने चैलेंज किया है भट्ट साहब को, भट्ट साहब पाकिस्तान जाए 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, आप इसको हैक करके दिखा दे, आपका टिकट भी फ्री हो जाएगा, आप इंजॉय कीजिए, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आप जाइए, हमारे लिए भी बड़ी बात होगी कि आप इस आवाज इंटरटेनमेंट से आप आ गए और आप हैक करके दिखा दे। आप ही बोले इंटरनेट इस्तेमाल होगा और आप कह रहे अभी नहीं होगा। भाई वो बिल्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है उसमें बिजली की जरूरत नहीं है, पहले इसको स्टडी करना चाहिए, इसके ब्रोशर पढ़ने चाहिए, फिर हमें बात करनी चाहिए। लिहाजा कि ये वो आप मशीन में कितने पैसे लगेंगे, ये कोई घर थोड़ी है, ये सबको पता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल चाल है, कैसे? प्रोग्राम में गर्मा गर्मी हो गई, इसको ठंडा करना है। प्रोग्राम में तो अब सोचो तकरार है तो थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, मगर थोड़ा सा लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, किसी की पर्सनल लाइफ में ना जाए, किसी को गंदी लैंग्वेज यूज ना करें, ये ज्यादा ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, तकरार कर सकते हैं, राइट, आप तकरार करें, माने ना माने ये आपकी बात है, आप जरूरी नहीं है अपोजिशन की बात को कहें यस, हुकूमत की बात को कहें यस, नहीं मानने का हक आपके पास है, एग्री और डिसएग्री करने का आपको हक दिया हुआ है, पर इतना नहीं दिया हुआ कि आप बिल्कुल लफ्जों से ही हट जाएं, इसका ख्याल रखें। एक मिनट के लिए होल्ड करें। जी जी बोले जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मसला ये है कि इसमें आपको मशीन चाहिए तकरीबन 1,90,000 मशीन चाहिए जी, और फिर इसमें आई डोंट नो किसी ने ये बात करी हो या ना करी हो, ये मैंने पढ़ा कि 300 आपको अरब रुपए चाहिए जी, और उसके साथ साथ आपको अमला ट्रेन करना है आपको, और फिर एक एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था इसमें कि ये इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से 32 लाख वोट जाया होने का खतरा है जी, 32 लाख जी, जबकि प्रीवियस इलेक्शन में 16 लाख जाया हुए थे, इसमें ये कहना है कि 30-32 लाख वोट जाया हो सकते हैं। तो अच्छा ये होता है कि बैठ के पहले इन सब चीजों की फिजिबिलिटी होती और हमें पाकिस्तानी आवाम, असल में तो आवाम का मसला है ना ये, तो आवाम को बताया जाता है कि भाई हमारे पास 300 जो अरब रुपए हैं, 300 अरब रुपए ये कहाँ से आएंगे, हम 1,90,000 मशीन कितने दिनों में बना सकते हैं, इसकी जो है वो कारकर्दगी की क्या गारंटी मिलेगी, ये सब चीजें आवाम के सामने होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। ये लगता है कि एक तरफा फैसला है जी। एक आदमी ने फैसला कर दिया और उसने बता दिया भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ये इससे वोटिंग होगी, क्या हमारे पास, हमें कोई ये बताने के लिए आज तक आया कि हमारे पास 2021 आने वाला है, 22 आने वाला है और हमें इलेक्शन में हमारे पास 1-1.5 साल रह गया, क्या हम इस काबिल हैं कि हम 1,90,000 मशीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हमारे पास 300 अरब रुपए हैं, क्या हम इस अरसे में इतना अमला ट्रेन कर सकते हैं जो हमारे डिसेबल लोग हैं या स्पेशल लोग हैं
उनके लिए क्या क्या सहूलियात मुहैया होंगी ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। तो ये तमाम चीजें जब टेबल पे होती और बहस के बाद ये तमाम चीजों की बात हो चुकी होती तो आवाम का इस पे एतमाद बढ़ जाता जी। अभी तो आवाम का इस पे एतमाद ही नहीं है कि ये हो सकेगा या नहीं हो तो सकेगा। सबसे देखे ना, सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट तो साथ है, अपोजिशन भी साथ नहीं है, अपोजिशन अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो आप बताएंगे फिर क्या बेहतरी लेकर आएंगे मुल्क की कारकर्दगी कैसे करेंगे, काम क्या करेंगे मुल्क के अंदर, कैसे ओवरसीज वालों से वोट लेने के लिए। आप बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट वोट वालों को कह दें कि वो सिंध में तो कोई ऐसा सिस्टम लाने की जरूरत ही नहीं है। आप बताएं अलग अलग जब मुल्क किस उसमें देख रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या सियासत किस तरफ जा रही है। ये जब इलेक्शन होता है तो तमाम मुल्क में होता है, ऐसे ऐसे यही पूरे मुल्क में होता है। आप ये थोड़ी के कराची में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा है तो पंजाब में नहीं हो रहा, तो सिंध में नहीं हो रहा, क्योंकि बलूचिस्तान में इतने रिमोट एरिया है, वहाँ पे इसको कैरी करना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। आप यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके, बहुत डिफिकल्ट है। लोग कह रहे हैं कि किसी सूरत भी जी इस तरह क्या क्या कह सकते थे, कर सकते थे कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक वोट का तजुर्बा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। अभी हम चंद हलकों में या कुछ बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले तो आपको लगता है कि इनको चाहिए था डेमो बनाते, डेमो बना के प्रेजेंटेशन देते, ये कुछ बताते, मीडिया में लेकर आते, उसको करने के बाद फिर कहीं बिल पास कराते। ये तो आपको नहीं लगता साफ जाहिर हो रहा है कि किसने करवाया, पीछे हाथ किसका है, सब कुछ आपको पता चल रहा होगा जी। हम कर्जों में डूबे हुए हैं जी, क्या हमारे पास 300 से 600 अरब रुपए हैं? ये मशीन कौन बनाएगा, मशीन कहाँ से बन के आएगी, इसका सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करेगा, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, और ये बातें तो छोड़ दें आप। आप मुझे ये बताएं जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो कब अपडेट होगा, जो प्री पोल रैगिंग होती है, वो जो सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि किसको किस ग्रुप में शामिल होना है जी। वो जो सॉफ्टवेयर है जो जहाजों में भरभर जी जी खरीद खरीद के लाता है जी, वो सॉफ्टवेयर जब तक अपडेट नहीं होगा ये वोटिंग मशीन जो है नो सॉल्यूशन। आप वो जीत भी गए उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो आपका है हार्डवेयर बल्कि मैं तो उसको कहूंगा, वो जो हार्डवेयर है वो कहता है कि इनको खरीदो इनको खरीदो इनको खरीदो और इनको एक पार्टी में शामिल करो। वो जो हार्डवेयर है जिसने अभी 3 दिन में पोजीशन के जो इत्तेहादियों को राजी कराया जी वो देने के लिए, तो वो हार्डवेयर जब तक तब्दील नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर और ये इस तरह की चीजें लाने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये जब भी इलेक्शन होते हैं, अभी कराची में ये 16 सीटें जीती थी पीटीआई, आप यकीन करेंगे अगर वो सही इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल 2 सीटें भी नहीं जीते वहां से। तो वो जो हार्डवेयर है जो उनको सीटें दिलाता है, भाई पहले आप उस हार्डवेयर पे काम करें उसके बाद आए सॉफ्टवेयर पे। ये जो जहाजों में भर भर के जो है वो पकड़ पकड़ के लोगों को जमा किया जाता है भेड़ बकरियों की तरह और फिर उसको लालच दे के पार्टियों में शामिल कराया जाता है। अभी आपके पिछले इलेक्शन में जहांगीर तरीन जो थे वो जहाजों में भर भर के लेके आ रहे थे, बड़ा फकर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने आपको नहीं पता कि बताया नहीं था जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए थे तो जहाजों में पकड़ के जहांगीर तरीन ने बहुत साथ दिया था इनको, इनकी हुकूमत में आने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, जहाजों में भर भर के लोगों को लाए थे और वोटिंग करवाई थी, पैसा पानी की तरह भाया गया था जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान आए, मगर सबके बकौल के एस्टेब्लिशमेंट बहुत साथ दे रही थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का फायदा क्या है जी, जब नुमाइंदे अपने हक में फैसला नहीं कर सकते, उनका फैसला कोई और करता है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको इस पार्टी को ज्वाइन करना है, उस पार्टी को ज्वाइन करना है, काफ लीग बना दी जाती है पीपल्स पार्टी। अगर आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो चाह रहे थे वो करवा लिया उन्होंने, जो जो कहते थे वो ही करके दिखा दिया, तो क्या कहते हैं कि इसके बाद क्या कुछ नहीं करा उनमें, फिर ये फिर आपने कहा कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है, ये नहीं किया, सलाहियत नहीं है, उनमें सलाहियत होती तो वो 3 दिन पहले कर लेते जी, सही है ना, उनकी जितनी सलाहियत थी उनको 6 सितंबर के बाद से उनकी सलाहियत का पता चल गया, जब से उनको किसी तकरीर में बुलाया नहीं जाता है। बहरहाल ये कहलाता भाई साहब मेरा मौजू ये था कि ये डिबेट होनी चाहिए थी, क्या हम 1,90,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं उस वक्त तक, कहाँ बनेगी, कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर कौन अपडेट करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इतने ट्रेंड लोग कहाँ से आएंगे,
और फिर 300 से 600 अरब रुपए कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ये बात फॉर्म को बता के एतमाद में लें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें सॉफ्टवेयर मशीनों से, लेकिन हार्डवेयर का क्या करना है, असल क्वेश्चन वो है। हाँ जी सही, थैंक यू जी जनाब जी, बोले जी। बहुत सारे कॉलर थे जिनको मैंने होल्ड पे डाला था पर आप लोग निकल गए, मैं उनका मैसेज लेना चाहती थी, इसके बाद आप लोगों से बात करती पर आप लोग ड्रॉप हो गए खुद ही। जी 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 सिस्टर, बात ये हो रही है कि जी कश्मीर के ऊपर बात ना करी जाए जी। कश्मीर के ऊपर बात क्यों, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या कश्मीर? सही है। अच्छा एक बात सिस्टर, आप मुझे ये बताइए, ये शब्बर जैदी को लेकर आए थे इमरान खान, ऐसा आदमी लाया हूँ सारी करप्शन खत्म हो जाएगी और सारा पैसा पाकिस्तान में वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ छुट्टी हो गई। फिर अफीज शेख को लेकर आए, ऐसा आदमी लेकर आ रहा हूँ कि बस पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्या हुआ उसकी भी छुट्टी हो गई। फिर वो जफर इकबाल को लेकर आए थे कोविड के लिए, क्या हुआ वो सारा पैसा खा के भाग गया। तो इसी तरह ये मशीन है, सिर्फ लोगों का दिमाग कह रहे हैं कि देखे आपको पता है कि अपोजिशन को शिकस्त हुई, वजह गैर नहीं है अपनी ही है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं जो अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है, तो उनका कहने का मकसद ये है कि जो अपोजिशन को शिकस्त हुई है तो वो गैर नहीं है बल्कि अपने ही है, ये सबको पता है। ये ज्यादातर मीडिया में बात फैल रही है कि ये पता है किसने शिकस्त दिलाई है, किसने शिकस्त दी है, तो ये कहा जा रहा है कि वजह से इमरान खान को चाहिए कि थोड़ा सा आके खोल लें आवाम के लिए, जी गरीब आवाम के लिए सोच लें जी। शब्बर जैदी भी टॉपिक नहीं है जी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, एक लास्ट कॉलर है सेकंड लास्ट, वो कह रहे हैं कि ये हार्डवेयर को कौन सही करेगा, इनको 40 साल बाद अभी जब वो हार्डवेयर की पॉलिश करते थे तो ये लोग अच्छे बच्चे की तरह इंजॉय करते थे, आज इनको हार्डवेयर के बारे में इनको कौन जा रहा है कि हार्डवेयर को इसके बारे में ये सोच रहा है। दूसरा, इनका ब्रोशर पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने लाख रुपए आएंगे, कैसे इस्तेमाल होगा। हर इलेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो गाँव हो या शहर हो, हर इलेक्शन में, ये कोई अनोखा इलेक्शन नहीं होगा, तो ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब इन्होंने ये किया है तो दे डू, दे वांट टू डू, दे इसको मैनेज करेंगे, इसको आप पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च किए जाएंगे, और ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये इसको यूज करेंगे और जो भी ट्रेनिंग है ये करेंगे, इनको सब पता है। भाई आप अप्रूव तो करने आओ, 6 महीने से डेमो रखा हुआ है, मशीन के करीब कोई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मशीन काट लेगी, मशीन सच बोल देगी, मशीन मुर्दा लोग वोट एक्सेप्ट नहीं करेगी, मशीन जाली वोट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलाम मैम, क्या हाल है? वेंट सर भाई एक सेकंड, पाकिस्तान से कॉल है, आप भी सुन ले, मैं भी सुन रही हूँ जी। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, जी बोले। हाँ जी मैम, जी मैं बोलूँ? नहीं ये बोल रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने एक पूरा सफहा जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी को दिया है कि जी इसमें तो इतने इतराजात उसने भेजे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब इनके जो वजीर मुशीर हैं वो चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला तो हमारा एक वैसे ही काम था, हमने तो अपनी पावर शो करवानी थी कि जी देखिए हुकूमत जा रही है, इनके इतने लोग जो है वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, हमने तो सिर्फ एक पावर शो कराई है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो इलेक्शन में 2023 में इस्तेमाल हो या ना हो उसका हमें मसला नहीं है। अभी अभी अब अभी आप मैं आपको देख लें जी, ठीक है मैं वाजे और वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैं सुनवा भी सकता हूँ। इनके वजीर और मुशीर कह रहे हैं ये अल्फाज, वो कहते हैं हमने सिर्फ पावर शो की अपनी, ठीक है कि हम हमारी हुकूमत नहीं जा रही, क्योंकि काफी दिनों से हवाएं चल रही थी कि इनकी हुकूमत इधर हो रही है उधर हो रही है, ठीक है। यही आप अगर समझे ना, गौर से देखिए ये सारी चीजें, तो अपोजिशन और इनकी हुकूमत में फर्क नहीं है, वही लोग वही सिस्टम वही निजाम वही बातें वही कुर्सियां बचाने वाली, जैसे जी 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 बोले बोले वही चीजें जो अब ये अपोजिशन के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि जी नवाज शरीफ तो कहता था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब इमरान खान की सिचुएशन भी वही आ रही है, वो भी कुर्सी के लिए हाथ पांव मार रहा है, वो भी अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर अगर खान साहब इतने मुखलस हैं जो उन्होंने बातें की जो कुछ कहा, अब जो महंगाई जो मुल्क का हाल हो चुका है, तो खान साहब अगर दलेर हैं तो वो इस्तीफा दे के चले जाए, बेहतरी इसी में है, खान साहब का नाम इसी तरह रोशन रहेगा, लोग उन्हें चाहेंगे। ये बात तो नहीं हुई ना, आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया,
हर चीज को बर्बाद कर दिया। करप्शन उरूज पे है, महंगाई उरूज पे है। 60 रुपए किलो 60 रुपए जो घी है ना, 60 रुपए घी एक गत्ते के यानी 10 किलो की अगर पेटी लेती है तो 60 रुपए उसका रेट और बढ़ गया कल मार्केट में, बताए मुझे। ठीक है, वो माफिया को और प्रमोट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं है पंजाब में, तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है, मैं तो हैरान परेशान हूँ कि हम आपस में लड़ रहे हैं कि वो फलां की हुकूमत में इतने बंदे मर गए, फलां की हुकूमत में इतने बंदे मर गए, तो खान साहब की हुकूमत में बंदे नहीं मरे। वो क्या हुआ साहिवाल वाला वाकया जिसमें बच्चे उन्होंने शहीद कर दिए, वो बच्चे शहीद कर दिए, क्या हुआ वो? वो उस पर कोई बात नहीं करता। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अगर हम चैनल ने हमें मौका दिया है तो इस पे बैठ के हम वो बातें बताएं जो हुकूमत के लिए फायदेमंद है। और चोर उचक्के तो साथ वो लेकर बैठे हुए, उनको ट्रेनिंग वो क्या देंगे, क्या समझाएंगे उनको? चोर भी कभी सुधर सकता है मुझे बताएं? अल्लाह जब तक उसको हदायत ना दे, इनको तो अल्लाह ताला ने हदायत देनी नहीं है। इन्होंने 5 जमातें पहले छोड़ी हुई है और 6ठी में ही यहाँ पे आके बैठ गए, इनको कैसे हदायत मिलेगी बताएं मुझे? ये तो मुल्क को खाने के लिए पैदा हुए हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं। खान साहब अकेला सदर ठीक है, तो हमें जो उन्होंने 300 लोग और साथ मुसल्लत किए हुए हैं उनसे हमारी जान छुड़वाएं वो, फिर हम मानेंगे कि खान साहब वाकई मुखलस हैं मुल्क के साथ और वफादार हैं खान साहब। जी जी हेलो जी जी बोले मिनसर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत सॉरी आपको लोड पे डालना पड़ा, इसलिए कि ये भी 4 दफा कॉल कर चुके थे पर कॉलें इतनी ज्यादा थी कि मैं इनको एयर ही नहीं कर रही थी, तो फिर जब आप आए मैं इनको एयर कर चुकी थी, तो फिर मैंने कहा इनका मैसेज ले लूं। जी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है जी। मैं बहुत दिन बाद फिर आज आया हूँ जी। एक बात ऐसी, कुछ मासूमाना से सवाल आप कहने के जहन में पैदा हुए तो मैंने कहा चलिए आज आप सबसे शेयर करते हैं, हो सकता है कोई कॉलर अच्छी बात बताने में कामयाब है जी। एक तो आजकल अगर आप कनाडा की मार्केट, अमेरिका की मार्केट देखें तो पुरानी साड़ियाँ बहुत महंगी हो गई जी, नई साड़ियाँ मार्केट में आ नहीं रही। वो वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स नहीं बन रही, तो अरे मुल्क में मशीन बनने जा रही है, उसकी चिप्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ से आएगा? ये तो है एक बात। फिर मार्केट में लोग ये बात भी करते हैं कि यार अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी अगर ये मशीन बनाती है और वो कर लेते हैं और सारे वोट उनके हक में चले आते हैं, तो वो यार जो अपोजिशन है वो इतना क्यों डरती है? वो भी हैक करके तो अपने हक में वो डलवा ले, ये मार्केट में बातें हो रही है। खैर मैं इन बातों को बिलीव नहीं करता जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक कॉलर ने जादू की बात की थी कि जादू कहाँ, जादू जहाँ चलता है वो वहीं से चलता रहेगा और चल रहा है। ये 5 साल जो है इमरान खान साहब मुकम्मल करेंगे और अगले साल भी इमरान खान साहब ही रहे जी। फिर वो बात आ गई जादू वाली के जहाँ से जादू चल रहा है वो वहीं से चल रहा है, तो इसलिए कहेंगे इसलिए हम आपस में लड़ लड़ के यार अपने आपको मत करें, परेशान मत करें, प्यार मोहब्बत से तकरार करें, लफ्जों का चुनाव अच्छा करें और मजा आता है प्रोग्राम देखने सुनने का, तो सब इंजॉय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी जी हेलो हेलो हाँ जी 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 मैं वो भी पहले मंसूर भाई जब बातें कर रहे थे तो फिगर्स कुछ जो है बड़ी कम बोली जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है वो तकरीबन 9 लाख मशीनें चाहिए जी। मैंने फिगर बताई थी कि रोजाना अगर 1,364 मशीनें रोजाना बने इलेक्शन डेट तक आज से शुरू हो तो तब मशीनें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद जो है उसका खर्चा जो है वो 1,150,000,000,000 रुपए है, वो 300,000,000,000 रुपए नहीं है। अच्छा बात आते हैं, बात है सारी क्रेडिबिलिटी की। अभी मिसाल जब वजीर आजम झूठ बोल रहा है जिठाई से कि सारी दुनिया में ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं जबकि नहीं होती, वो कहता है वजीर आजम के जब जर्मनी में ये इस्तेमाल होती हैं, जबकि जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है कि ये यहाँ पे आईनी तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तो शिबली फराज के बयान के ऊपर हम क्या अपना तबसरा करें? शिबली फराज तो जो है वो पहले उस बीच चीज का जवाब दे दे जो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट इन मशीनों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी हुई है, उसमें वो सारे जवाब मौजूद है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन वाजे तौर पे ये बता चुका है, आज क्लियर कट सेक्टरी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि अगले इलेक्शन में किसी सूरत में ये मशीनें इस्तेमाल नहीं हो सकती। जिसने वो मशीनें इस्तेमाल करनी है, जब अथॉरिटी कह रही है कि हम ये मशीनें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये सारा एक्सरसाइज करने का क्या जवाब है? इसका सिर्फ एक मकसद है, एक तो पहले कार्य एक बात कर चुके थे, वो ये था कि इनके बंदे टूट रहे थे,
तो इन्होंने वो अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये अपना लारा लगाया कि हम जो है वो स्टेट बैंक एक्ट पास करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में ये पास हो जाएंगे तो हमें इत्माद का वोट मिल जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस इशू को इशू कर एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा के जो रियल इश्यूज हैं उनसे तो जो लोगों की हटा दी जाए। तो ये दो मेन बातें चले ले रहे और काले में फिर चले जी। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और आवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। जीटीए में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। ज़ॉ, नाउ इट्स फुली रेनोवेटेड। लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियां, फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, ज़ॉक इज प्रोवाइडिंग फुल सर्विस नाउ। एंड ज़ॉक हैज ओपन अ न्यू बैंक्वेट हॉल, गार्डन, इवेंट सेंटर। आपका ज़ॉक देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ॉक है आपका। Call right now 905-625-7786. Zawk. Zawk walon ke liye. Dixie Electronics और Appliances पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी, वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोजे हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। Tonight Talk हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं।
एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं जी जनाब। आप देखें बात हो रही है इसी की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात हो रही है, तो आप लोग आके इसकी बात बताएं कि देखें अभी जो उन्होंने बताया फिगर आपको अभी बताया उन्होंने कि कितनी ज़्यादा फिगर हैं। देखें अलग अलग वो बात बता रहे हैं कि ये मशीन किस तरह आ सकती है और किस तरह हो सकते हैं। जिस तरह अभी एक कॉलर ने भी कह दिया कि अगर अपोजिशन चाहेगी तो बेताशा अपने जाली वोट डलवा के पास करवा लेगी, हुकूमत चाहेगी तो जाली वोट करा लेगी, तो फिर उसमें फेयर और शफाफ इलेक्शन कैसे हो गए। तो आके ज़रा सा बात करें और बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। ये बात पूरे मीडिया में भी मशहूर हो रही है कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकता है, हर चीज़ उसमें हो सकती है। जिस तरह जाली, जिस तरह अभी एक कॉलर ने कहा कि भाई मुर्दा मुर्दा या मर गया इंसान और ओवरसीज में बैठा हुआ है उसका वोट डल गया, तो मशीन में भी ये सारे काम हो सकते हैं। आपको पता है जिस तरह मशीन बनती है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? विंदर भाई जी, जी जी बहुत खुशी हुई आवाज सुन के। उन्होंने 30 सेकंड की कॉल में ना सारा मसला हल कर दिया। अगर इनको नून लीग वालों को ज्यादा परेशानी है इस मशीन की, तो वो किसी को भट्ट साहब अभी कह रहे थे कि 1-8 साल का बच्चा हैक कर लेगा जी। तो वो हैक करके जीत जाए जहाँ जहाँ भी हो। मैं ये नहीं कहता कि वो मशीन आज आ जाएगी, मशीन इस इलेक्शन में तो आती नहीं है जी। तो बाकी रही, एक और साहब आए थे, उन्होंने बहुत 15-20 मिनट की स्पीच दी। मुझे एक लफ्ज बता दे उसमें जिसका लोगों को नहीं पता कैसे होगा। उन्होंने वो 20 मिनट जाया करके चले गए। आप इन लोगों को इससे भी बचा करें जो 15-15-20-20 मिनट की स्पीच देते। एक लफ्ज भी उसमें काम का नहीं था जो आदमी समझ ले के भाई ये क्या क्या कह रहे हैं। कल भी वही बात हुई थी, आज भी वही बात हो रही है, पाकिस्तान में भी वही बात। एवरीबॉडी नो दैट। ओके जी जी, हेलो जी जी जी, सलाम वालेकुम। आप ये कह रही हैं कि इस पे गलत वोट डाल सकते हैं मुर्दा आदमी की? नहीं नहीं नहीं, मैं मुर्दा आदमी की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही थी मेरी बात अधूरी रह गई, मेरी बात पूरा मैसेज नहीं गया, इसलिए कि वो कॉलर आ गए तो मैंने उनको एयर कर दिया। इसलिए वो काफी देर से, 1 घंटे से मुझे 2-3 दफा कॉल कर चुके थे पर एयर नहीं हो सके थे, मैंने उनको होल्ड पे डाला और ड्रॉप हो गए। तो अभी वो आए तो मैंने उनको एयर किया। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह देखे, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह वो कॉलर बता रहे हैं कि मुर्दा बंदा मर जाता है पर उसका वोट डल जाता है, तो क्या इस मशीन में ये चीजें नहीं हो सकती? इस मशीन में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं ना, मफरूजे पे बात कर रहे हैं। इसीलिए शिवली फराज ने कहा कि 10 लाख रुपए लो करके दिखा दो, तो कोई नहीं सामने आ रहा है। यही तो उसने कहा कि ये मसले का हल, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है मशीन के पास आ जाओ, ये डेमो पड़ा हुआ है यूज करो। तो मशीन सच बोल रही है, ना धांधली एक्सेप्ट कर रही है मशीन, ना मरे मुर्दा आदमी का वोट एक्सेप्ट कर रही है, ना जो भी नेगेटिव चीज है नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो लोग डर गए। तो ये इशू है एक्चुअल। भाई आप ये कॉमन सेंस लगाए ना कि 40 साल से धांधली हो रही थी, तो ये वाला साल भी होने दे। आप एक बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि 40 साल से धांधली हो रही थी, 40 साल से ये हो रहा था, तो अभी क्या अच्छा हो रहा है वो अच्छा बता दे मुझे जरा सा कि अभी क्या अच्छा हो रहा है। कर रहे ना आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, ये मैं बोल रहा हूँ, ये क्या नहीं नहीं, अभी आपने हर चीज में आप लोग ये मिसाल लेकर आ जाते हैं कि पहले ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हो गया तो क्या बात हो गई। तो आप ये क्यों नहीं बात करते कि पहले ऐसा हुआ था, अभी देखे कितना अच्छा हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो हुकूमत चल रही है वो सारे जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वही इस हुकूमत के साथ भी हैं और वही हुकूमत चला रहे हैं? जिस तरह अभी जो कॉलर आके बोलते हैं कि हुकूमत चला कौन रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान का तो कोई नाम ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को तो सिर्फ दिखाया जा रहा है, शक्ल दिखाई जा रही है, उनके नाम को उनकी शक्ल को यूज किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई अच्छा मैसेज आप लोग दें ताकि वो सुने, उनकी टीम बैठ के सुने, उनको सुनाए कि ये देखें ओवरसीज वाले क्या सोचते हैं, क्या सोच रख रहे हैं, क्या उनका माइंड में चल रहा है? जब मैं कहती हूँ कि जिस तरह क्या कहते हैं, अब आप लोग कितना कह रहे हैं कि ओवरसीज से वोट मिल जाएंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत जीत जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, इसी वजह से वो मशीन का जो है ना उन्होंने जोर लगाया और पास कराया ये बिल। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग के मैसेज भी कितने ताकतफुल हैं, कितने पावरफुल हैं? जिस तरह अमेरिका पावरफुल मुल्क है, इस तरह आपके मैसेज भी पावरफुल हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज दें? ओवरसीज के 99% लोग हैप्पी हैं जी, सिर्फ ये 3 कॉलर के जी। आई एम टेलिंग यू, 3 कॉलर तो नहीं, 3 कॉलर तो नहीं है, बहुत सारे कॉलर है। चले 4 कॉलर नहीं, 4 कॉलर नहीं है, देखने वाले बेताश है जी।
5 कॉलर तो मैं कह रहा हूँ। अभी वो आके कहेंगे कि ऑपोजिशन वो हुकूमत के तो सिर्फ दो ही कॉलर हैं जो आके बहस करते हैं, अभी आके कहते हैं वो कॉलर, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे नहीं, देखिए हम ये कहेंगे हुकूमत के भी बेताशा लोग हैं। देखिए जब कभी टाइम होता है तो ऐसे उछल के हुकूमत के लोग आते हैं, इसी तरह अपोजिशन को भी आप नहीं कह सकते, 4 या 5 गिनती नहीं कर सकते। जी जी सिस्टर, आप कह रही हैं कि इमरान खान को मैसेज दें कि वो हमारी बात सुने। जी सिस्टर, उस आदमी की कोई औकात हो तो आदमी बात भी वो सुने ना, उसको मैसेज भेजा जाए कि जब एक आदमी कठपुतली है, उसको पीछे एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो क्या किसी की बात सुनेगा? वो सुबह उठता है, उसको शाम का नहीं पता होता कि दिन पूरे दिन में हुआ क्या है। फिर दूसरा है, आज ही उनके वजीर ने आगे जी कमजोर है, उनके वजीर ने आगे बोला कि हम जो है बहुत कमजोर है, हम रियासत वाले इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे TTP का। तो आप इससे अंदाजा लेते हो वो आदमी क्या किसी की बात सुनेगा। और ये सिस्टर वही बकौल बरसात के कि इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, मशीन मशीन मशीन, अब ये खेल होता रहेगा। सब महंगाई वहंगाई देखे ना, कोई टॉपिक पे बात ही नहीं हो रही है पूरे पाकिस्तान में महंगाई पे, सिर्फ एक ये इसकी मशीन की बात हो रही है। तो यही है कि ये इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। नहीं नहीं, बात हो रही है बहुत सारी, डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट बात हो रही है। उन्होंने कहा गैस है नहीं, अब गैस को इतना कम गैस देगी ये हुकूमत, आप देखें इस हुकूमत की प्लानिंग देखें, गैस बंद कर दी है, गैस नहीं दे रही है, तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो आप हुकूमत इस पे तो तवज्जो दे ही नहीं रही, ये नया पाकिस्तान में ये चीजें हो रही है। आप ये देखेंगे लोग डिफरेंट चैनलों पर डिफरेंट बात चल रही है, पर मैंने टॉपिक ये दिया था आवाम जिंदा होगी, उनके पेट में खाना होगा, तब वो मशीन में वोट डालने जाएंगे या उनके जनाजे जाएंगे मशीन में वोट डालने। आप सोचे वहाँ पे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि नया पाकिस्तान को आवाम कोस रही है, आवाम कोसने दे रही है, इसलिए कि गैस कम कर दी गई है, महंगाई इतनी है, दवाइयां मिल नहीं रही है, दवाइयां इतनी शॉर्ट हो चुकी है, जो रोजमर्रा की लोग दवाइयां लेते थे वो दवाइयां उनको मैसर नहीं हो रही है। मैं तो टॉपिक नहीं लेकर आई इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती, पर आपने मुझे बात करने पर मजबूर कर दिया कि आप ये देखेंगे लाल बत्ती के पीछे हुकूमत ने लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के पीछे आवाम लग गई है। ऐसी बात नहीं है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अलावा भी डिफरेंट मीडिया पे ये चीजें भी हो रही है। मैं तो खुद कहती हूँ कि वजीर आजम इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, वजीर आजम इमरान खान की सोच बहुत अच्छी है, वो अपनी एक सोच को लेकर आए। हम यही कहना चाहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि कुछ करके दिखा दें इस वक्त आवाम के दिलों में हो जाए। एक आदमी के गले में पंदा पड़ा हुआ है, उसको जो बोला जाता है वो सुबह उठ के वो करता है, फिर रात में उसको बोलते हैं जाके सो जाओ, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। तो यानी कि अभी मेरे एक कॉलर ने आके कहा है कि ये पास ये इलेक्शन में ये 5 साल तो पूरे करेंगे अपने, जो भी है इनका टाइम पीरियड, आगे भी 5 साल पूरे करेंगे ये। अरे नहीं सिस्टर, उन कॉलर की भूल है, उन कॉलर की भूल है, ये अगले साल ही इलेक्शन होगा। नहीं मगर आप एक बात सुने, आप ये कह जाने उन कॉलर की भूल है, मैं आप ही की से बात करना चाह रही हूँ। पहले भी आप ये कहते देखिएगा बिल पास नहीं होगा, देखिएगा ये नहीं होगा, पर वजीर आजम इमरान आप देख रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी में भी पीछे में बात कर रहा हूँ, आप दुआ ये कर रहे हैं बिल पास ना हो, पर सारे बिल पास हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने देख लें लब बैक वाले लोग आए तो उनको भी तालिबान को भी बिल पास कहा था कि ये खाली करेंगे, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अपोजिशन ने मुंह पे बाकायदा टीवी के चैनलों पे दिखा रहे हैं, मुंह पे मारे हैं, कैसर कौन है वो, कैसर जो वो स्पीकर है। देखे अभी तक जो है ना मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, अभी तक मौजूदा वजीर आजम ने ना जो चाहा वही हुआ और जो चाहते हैं वही हो रहा है। अभी ये देखे उसके बाद देख लें, जितना भी शोर मच रहा है वो अलग कहानी है, कर बस वजीर आजम इमरान खान जो कर रहे हैं, जो कहते हैं, जो उनके वुजरा आके शोर मचाते हैं मीडिया में वो कर पाते हैं, वो हो जाता है। मुझे बताइए वो आए थे एक वुजरा आपके कि कोई माई का लाल की जरूरत नहीं है कि यहाँ से कोई वो एहतजाज आके करे, क्या हुआ शाम में उन्होंने पांव पकड़ लिए उनके, क्या ही हमसे मुजाकरात कर लीजिए। आप इससे तो अंदाजा लगा लें, आज उनके वजीर ने कह दिया कि हम इस काबिल नहीं है, क्या रियासत इस काबिल नहीं है कि इनका मुकाबला कर सके, इतने तो कमजोर नहीं है कि इन्होंने आइंदा की आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम दे दिया है कि अगर भाई कोई बात मनवानी हो तो आ जाओ इस्लामाबाद में बैठ जाओ, हर बात मान ली जाएगी। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है जी, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिस्टर, इनके हाथ में कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। वो तो देखें आप सही कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा, नजर भी वही आ रहा है। देखें ना अपोजिशन भी यही कह रही है कि आप देख लें कि अपने लोगों ने ही ये काम किया है, और वो कौन है किसका हाथ है ये सारी दुनिया जानती है, सबको पता है किसका हाथ है। जी वो मैं ना मानू जी, 11 तारीख को पाकिस्तान में जलजला आ जाएगा, 12 तारीख को ये हो जाएगा, बिल पास नहीं होगा, वजीर आजम दफन हो जाएंगे,
ये बात ये कि आधी फोरकास्ट वो करें कि जो जो नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। अभी आप ये देखिए टॉपिक ही पूरे पाकिस्तान में यही टॉपिक है जो आपने रखा है जी। आप ये जो आपका पीडीएम है ये बात ही नहीं कर रही है महंगाई पे, वो खामोशी से दीवार से लगे हुए, वो एक दफा आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। इनको क्या हो गया आप सोचे, ये तो अगेंस्ट है ना इमरान खान के, वो सीधे बच्चों की तरह। इमरान खान ने इनको तीनों को दीवार से लगा दिया। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, मैं लूंगी आपको जी। हेलो जी, जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। बात यह है कि मैंने 15 मिनट तफसील से इसलिए बताया था कि जिन लोगों को आसानी से समझ नहीं आती उनको भी समझ आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को समझ नहीं आई। एक कॉलर जो है बार बार शिबली फराज को लेके आ जाती है। मैं तफसील से बता चुका हूँ कि जब हकायक सामने आए, वीडियो सामने आए कि कैसे सिस्टम करप्ट होता है, जब इलेक्शन कमीशन फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज चुका हुआ है कि कैसे ये मशीन अपना वो होती है, हैक होती है या करप्ट होती है, तो उसके बाद नया तजर्बा करने का क्या फायदा है। उसके बाद ये है कि कहा गया जी कि मैंने वो कल बातें सारी की थी, आज मैंने जितनी बातें की उसमें जितने फैक्ट फिगर दिए, आज मैंने वो फैक्ट फिगर दिए जो आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने, आज जो है कौमी असम्बली की कामया कमेटी बराए इंसाफ और कानून के सामने पेश किए। तो मेरा इन बातों से कल से तो तल्लक ही कोई नहीं था, और इसमें जो फिगर दिए हैं मैंने वो फिगर दिए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने दिए, अपना सेक्रेटरी ने दिए। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल मसला पता क्या है, ये सारा जो मैंने पहले बात की है ये थोड़ा सा मौजू से हट गया, लेकिन फैक्ट जो है वो ये है जी। इस ट्रक की बत्ती के पीछे वाम को लगाकर क्या नई वारदातें डाली जा रही हैं वो मैं आप बताता हूँ। ये कमर्शियल न्यूज है, ये सिर्फ इंग्लिश अखबार ही मोस्टली छापते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनको लिख नहीं कराता या उनको अपना बताने नहीं दिया जाता, और ना ही उर्दू अखबार को ये मेजर छपने दी जाती है। इन्होंने नई वारदातें जो डाली हैं वो ये हैं कि गैस डेवलपमेंट सेस के मद में 266 अरब रुपए जो है यूरिया जो मैन्युफैक्चरिंग अपना कंपनीज हैं उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत थे जी। ये कंपनियां स्टेट सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, वहां हार गई थी। तो आप ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने वो पैसे जो है अपना उन खाद कंपनियों को माफ कर दिए हैं। अब ये खान साहब पूछा करते थे ये तुम्हारे बाप का पैसा है, तो मैं आज ये पूछ सकता हूँ कि जो 266 अरब रुपए माफ किए गए हैं क्या आज इमरान खान के बाप का पैसा है। इसके बाद मलक रियाज को हर क्वार्टरली 460 अरब रुपए जुर्माना की पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। इस क्वार्टर के मलक रियाज ने 460 अरब रुपए जमा कराने थे, तो मौजूदा हुकूमत ने ये इंस्टॉलमेंट जो है उसकी सस्पेंड कर दिया है। अब इमरान खान से ये पूछा जा सकता है कि ये क्या आपके बाप का पैसा है। उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल न्यूज की तरफ। माइज फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके जा रही है। इससे पहले नेस्ले जो है वो अपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट थी उसकी, उसमें से 50% अपना वो निकाल चुकी हुई है पैसा। ये वो खबरें हैं, मैंने सिर्फ अभी दो बताई है, तो खैर लंबी चौड़ी कहानी है। तो जिनको ये बेसिकली छुपाना चाहते हैं, आप मैं जरा लाहौर का एक अपना टीवी स्टेशन आता है लाहौर HD, उसकी खबरें सिर्फ 3-4 शेयर करता हूँ। आज की खबरें हैं, बागों का शहर था लाहौर, आलूदगी में आज दुनिया में पहले नंबर पर है। लाहौर में सफाई मशीनों से हुआ करती थी, आज जो उन्होंने वीडियो दिखाई है लोगों के हाथ में झाड़ू पकड़ाए हुए हैं। आज तीसरी खबर थी कि 10 बिलियन ट्रामी सुनामी ट्री के ड्रामे के तहत पता नहीं कितने मिलियन ट्री जो है लाहौर और उसके गिर्द रुआ में लगाए गए थे पिछले 2 साल में। आज पंजाब हॉर्टिकल्चर, एक सेकंड में होल्ड करें, एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ। पंजाब हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का जो डायरेक्टर जनरल है वो कहता है कि 60% जो है दरख्त मर चुके हुए हैं, गैस नापेद है वहाँ जी, पता एक वक्त में भी नहीं आ रही, लोग गैस की बजाय अपना लकड़ी जलाने पर मजबूर है। ये वो रीजन है जिनको छुपाने की खातिर ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा अपना। थैंक यू जी। हेलो जी जी, ये टॉपिक से खुद ही बाहर होते हो, कैसे टॉपिक पे मलिक रियाज आ गया, बागों का शहर आ गया, ये बैठ के लिखते रहते हैं भाई टॉपिक पे। आप बात जब कोई और करता है बात तो टॉपिक पे बात करे, तो मलिक रियाज तक चले गया, बागों का शहर और नंबर वन आ गया नंबर टू। भाई आज शिबली रियाज ने ऑफिशियली बोला है
ये टॉपिक है। अरे मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है तो अरे मुझे इतनी हंसी आ रही है आपके ऊपर कि जी हेलो जी मुझे अरे मुझे इतनी हंसी आई है ना आपने तो मुझे भी हंसा रही है। चलो मैं अपने आप को जरा अंडरस्टैंड कर पर कर पर। अच्छा ये बात ये है कि सबसे ज्यादा ये लाहौरी है जो मैं सिर्फ इनकी बात करता हूँ दूसरों की मुझे नहीं पता जी। ये एक कब्रिस्तान है पर लाहौर में उसका नाम है मियानी साहब जी। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पाकिस्तान बनने से मुगलों के जमाने से है वो जी 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 आप बयान नहीं कर सकते जी। ये इनके जो करिंदे है ना कापी पेंसिल लेके ना उनके टूम स्टोन से उनके नाम लिख रहे होते हैं जिनकी इन्होंने वोट बनानी होती है। इस मिलियन एंड मिलियन ऐसी वोट है जो लोग मर चुके हैं ये हकीकत है ऐसा है जी। तो जब इलेक्शन खत्म हो जाता है रावी के किनारे या किसी कब्रिस्तान में या कचरा कुंडी में वो कार्ड ऐसे फेंक देते हैं या तो दबा दो तुम्हारा किसी को पता नहीं चले लेकिन डरी किसी का नहीं है वो किससे डरते सिलेक्शन तो वो जीत गए हैं वो ऐसे फिर आके वो झाड़ू देने वाले साफ करते हैं जी। ये आज से नहीं ये बहुत देर से हो रहा है ये ऐसा मुर्दों की वोटें डालते हैं जब ये सारा दिन तो वही जब तो कह रहे हैं वो बंद हो जाएंगे मुर्दों की वोटें डलनी बंद हो जाएंगी वोट नहीं डालेंगे मुर्दों के जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डलेगा ये बात कर रहे हैं। हाँ ये सारा काम ये लाहौरियों को भी फर्क पड़ेगा ये सिंध वालों को भी फर्क पड़ेगा ज्यादा लाहौरियों को फर्क पड़ेगा ठीक है बाय होल्ड कर एक सेकंड जी। हेलो जी 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 अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अभी मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ थोड़ा नहीं ज्यादा टाइम ले लें आप जी बोले जी। तो ये सेंटर पंजाब को मिलाने वाली 128 किलोमीटर एक रोड बन रही है 8 इजला को उसमें 8 इजला से गुजरेगी जिसमें बिन दादन खान है जलालपुर चकवाल खुशाब मंडी बहाउद्दीन गुजरात और आजाद कश्मीर का मीरपुर से होती हुई इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे से मुंतकलिक हो जाएगी। तो इस पे जो खर्चा आ रहा है वो 16 अरब रुपए तक में मुकम्मल हो गई है ठीक है ये बनना शुरू हो चुकी है। ये सड़क जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है नवाज शरीफ दौर का ये अगर बनती अभी जी। तो ये बनती 25 अरब रुपए में जी। ठीक है यानी 2013 में भी अगर ये सड़क बनती ना तो ये 25 अरब रुपए में बनाते जो 2021 में जो शुरू हुई है और 22 में ये कम्प्लीट होगी जाके तो ये बन रही है 16 अरब में और ये 2013 में बनती तो ये 25 अरब की बनती जो जिस हिसाब से इन्होंने महंगी सड़कें बनाने का हिसाब किया हुआ था 53% महंगी 2013 में बनती। तो आप अंदाजा करें कि इमरान खान की हुकूमत में ये सड़क बन रही है 16 अरब रुपए में तो कितनी बड़ी करप्शन हो रही थी। तो इनके बाप का पैसा था जो करप्शन की नजर हो रहा था औसतन 40-45% हर सड़क के उसमें ये घपले करते थे हर जगह पे घपले क्लियर पता चल चुके क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रोड्स के घपले पकड़े ना जा सके। तो यही तो करप्शन का पैसा है जो फिर बैरून मुल्क जो 18-18 साल की उम्र में जो अरबपति जो बन जाते हैं बच्चे जिनके वालदैन ये काम करते हैं तो तभी वो बनते हैं। 1000 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ रोड में की है 2-3-4 सालों में नवाज शरीफ ने उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो ये जो सिलसिला है ना तो इमरान खान ने तो हर जगह पे वो काम शुरू किया है जिससे बेहतरी आएगी शुगर माफिया कंट्रोल करने के लिए हर शुगर मिल में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैक सिस्टम ये लगा दिए गए हैं। अब एक एक बोरी जो है वो मॉनिटर होगी और उसका डेटा FBI को जाएगा यानी एक भी बोरी अगर निकल के बाहर जाएगी तो उसका डेटा FBI मॉनिटर कर रहा होगा उसके ऊपर UIM टैग लगे हुए होंगे यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन मार्क ये ट्रैक यानी एक कंज्यूमर भी चेक कर सकेगा कि किस वक्त ये बोरी बनी थी किस वक्त ये निकली मिल से और कितनी यानी किस मिल की भी ये बोरी है। तो ये सारा डेटा जो है ये FBI के पास चला जाएगा इससे सिर्फ शुगर की इंडस्ट्री से 20-25 अरब रुपए जो पता ही नहीं चलता था जो इनके दौरों में ये खा रहे थे छूट दी हुई थी क्योंकि सारा माफिया तो इनके साथ मिला हुआ था
तो ये सारी जो है इसी तरह की सीमेंट फैक्ट्रियों में भी हो चुका। तो ये जो सिस्टम जो लगा दिया गया है ट्रैक सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, एक एक बोरी जो है सीमेंट की भी इसी तरह, सिगरेट इसी तरह, तो जो आपका टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि आपके सिस्टम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, जो कभी तवज्जो नहीं दी गई। इसलिए कि ये सारे खांचे, जेबों में पैसा आता था उनसे पैसे लिए जाते थे फैक्ट्री वालों से, अब वो पैसा करप्शन में चला जाता था, तो अब वो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, जो कभी भी नहीं हुआ, जो कभी उस दौर में सोचा ही नहीं गया। और आपके आपको एक खुशखबरी बता दूं, 32% एक्सपोर्ट सिर्फ कैनेडा के लिए बढ़ी है, 32%। ये मालूम कर लें, अगर इसको भी आप तो हर बात को झूठ, क्योंकि झूठ तो हर जगह ही फैला हुआ है ना, नून लीग वाले तो हर जगह झूठ ही फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। और आपके जो 150% अमरीका, चाइना और मलेशिया में एक्सपोर्ट बढ़ गई है, 150%। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज है, तो इसलिए इनके लिए तो हर दिन ही, मतलब क्या मैं इनसे कहूँ, आंसू बचा के रखें, हर आने वाले दिनों में काम आएंगे, इस बात ना बहा दें, क्योंकि वो आने वाले जो दिन है उसमें जरूरत पड़ेगी उन आंसुओं की, तो कहाँ से लाएंगे फिर। ठीक जी, हेलो जी, जी हाँ जी, हाँ जी, जो जो अभी बातें की गई यही कल बातें की गई और तीनों इंसाफ का जवाब मैंने दिया था, सड़कों की कास्टिंग जो होती है। अभी आपने जो बात की थी तो वो मेरे कॉलर आए थे जो उन्होंने फिर वो शिबली फराज को लेकर आ गए, जिसकी वजह से मुझे हंसी पे काबू नहीं पा सकी, मुझे हंसी आ गई, वो फिर शिबली फराज को लेकर आ गए। मैं मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ जी, ये सड़कों की कास्ट का कंपेयर किया गया, सड़कों की कास्ट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक होती है, वो हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती जी जी। और उसके बाद ये है कि शहबाज शरीफ बड़ा सियाना था, उसने पंजाब में जितनी सड़कें बनी उसने FWO से बनाई, ताकि मेरे पे करप्शन का इल्जाम आए नहीं। FWO आर्मी का दारा है, उसका अगर जवाब लेना है तो उनसे जाके पूछ। उसके बाद कहा गया कि 1,000 अरब रुपया सड़कों में घपला हुआ, जिसका भी मैं कल जवाब दे चुका हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इशू उठा चुकी हुई थी वजीर आजम पोर्टल के ऊपर, और इसका जवाब वजीर आजम पोर्टल के ऊपर मौजूद है, जिसमें मुराद सेहत की वजारत जो है ये क्लियर कर चुकी हुई है कि ऐसा कोई घपला नहीं हुआ हमारे उसमें सड़कों के ऊपर, तो उसकी तहकीकात क्या होनी है। अब आ जाते हैं ये चीनी के अपना वाकयात बयान किए जा रहे हैं जी, को ऐसा हो जाएगा बिहार से हो जाएगा। वकार दया जो चेयरमैन शुगर इंडस्ट्री के अपना जो उनका अपना यूनियन है, उनके सदर की 4-5 दिन पहले वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई, तो वजीर आजम साहब उनके सामने भी ऐसे ही लेट गए जैसे हुकूमत TLP के सामने लेटी। उन्होंने वो जितने रूल्स बनाए हुए थे शुगर इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने कहा हम इसके ऊपर अपना इंसिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए उसका जवाब तो वो आ जाता जी। बाकी बात एक उससे पहले कॉलर ने की थी, बाद में खत्म करता हूँ 10 सेकंड के, मेरी बातें जो होती हैं वो कलमंदों के लिए होती हैं। उन्होंने जिस वाक्या को बयान किया वो 40-50 साल पहले शायद होता होगा कि शनाख्ती कार्ड ऐसे होते होंगे, उनको नादरा के मौजूदा सिस्टम से शायद आगाही नहीं है। नादरा का सिस्टम जो ये है कि हर चीज वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होती है, कोई कार्ड इशू होता है बायोमेट्रिक के तहत होता है, इसी तरह उसका रिकॉर्ड जो है हर रोज अपडेट होता है, कोई डेथ होती है तो जब कब्रिस्तान में दफन होता है बंदा, वहां से जो सर्टिफिकेट होता है उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है उनको, वो साथ साथ अपडेट हो जाती है। उसके बाद ये है कि शनाख्ती कार्ड जो है वो नए जो बनते हैं वो बायोमेट्रिक अपना उस बनते हैं और बायोमेट्रिक डिलीवरी होती है। उसके बाद आखिरी बात कि जब इलेक्शन फरिश्ते बनती हैं तो उसमें जो नादरा से रिकॉर्ड लिया जाता है तो उसके साथ उनकी फोटो भी ली जाती है, और उसके साथ अब इस दफा वो जो है बार कोड भी वो इलेक्शन कमीशन प्रिंट करेगा, तो इसलिए वो गलती का उसमें अब वो वाला वो दौर चला गया जो होता था। इसलिए आगाही पहले कर लेनी चाहिए फिर तनकीद होनी चाहिए। थैंक यू जी। हेलो जी, जी जी सिस्टर जी, वो अभी एक कॉलर आके बता रहे थे सड़कों का, तो शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है सिस्टर कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अगर पंजाब याद करता है ना, वो सिर्फ दो ही चीजों की वजह से याद करता है, एक मेट्रो बस और एक सड़कें, कि उन्होंने ये दो काम किए हैं पंजाब में, उसके अलावा कोई काम मुझे नजर नहीं आता, मगर पूरा पंजाब उनको उसी बात पे याद करता है। पाकिस्तान के दो काम, पाकिस्तान में बता दे अभी क्या काम किए इस हुकूमत ने, इस हुकूमत से इस हुकूमत में अभी एक आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बताई है जी, अभी एक काम बता रहा हूँ आपको, काम बता रहा हूँ जी, एक कॉलर आए थे उन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए
जी, तो वो बता रहे थे कि नवाज शरीफ के बाप का पैसा था। तो इमरान खान के कारनामे ये हैं कि अभी नंदन जो था, क्या इमरान खान का बाप लगता था कि उसको छोड़ दिया, फिर ये कुलभूषण जो है क्या इमरान खान का बाप लगता था कि उसको छोड़ दिया। तो ये दो काम है इमरान खान के, कि जो पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करी उन लोगों को उसने रिलीफ दिया, ये काम है इमरान खान के। इसके अलावा कोई तीसरा काम मुझे नजर नहीं आता। तो कंटेनर पे खड़े होके वो कहते थे कि जी मॉडल टाउन का मैं एक एक आदमी का मैं हिसाब लूंगा, कोई उन्होंने तकनीक नहीं किया। मैं कश्मीर की नुमाइंदगी करूंगा, मैं कश्मीर का सफाई सलार बनूंगा। अब आप देख लें कश्मीर के क्या हालात हैं। ये कारनामे हैं इमरान खान के, इसके अलावा तो मुझे और कोई इनके कारनामे उनके नजर नहीं आ रहे मेरे को। तो वो ये बोल रहे हैं कॉलर, ये भी तो कह रहे हैं कि कौन सी दूध की नहरें उस जमाने में बहती थी जो अब नहीं बह रही है। फिर तो फिर एक मुझे आखिरी एक जुमला, फिर ये कबूल कर लें कि ये भी फिर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो हम इमरान खान को कुछ नहीं कहेंगे। ये सिर्फ इतना जुमला बोल रहे हैं, हाँ जी ये इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल फिर सही है। फिर ये बातें, फिर पुरानी बातें ना करें ना, फिर ये बात बोल के खत्म कर दें कि जी इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे। होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बोले जी जी जी, मैंने ये बोलना था कि ये जो मेट्रो की मेरा नेफ्यू बात कर रहा है ना कि उन्होंने नवाज लीग ने ये मेट्रो बनाई, मेट्रो तो एक दिन भी प्रॉफिट में नहीं गई। वहां मिलियन टू मिलियन टू मिलियन डॉलर लगा के ना एक सीमेंट कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की 7 जनरेशन भी गुजर जाएंगी ना तो उस मेट्रो में से पाकिस्तान को आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। तो मैंने अपने दिल से तैयार किया था कि मैंने भट्ट साहब को कभी जवाब नहीं देना, लेकिन भट्ट साहब मजबूर करते हैं। भट्ट साहब से कहें कि वो जो 14 लोग कत्ल किए गए थे मॉडल टाउन में, उनका तो केस आज तक नहीं लगा। सिपाही शरीफ का 25 करोड़ का जो वो मांगते हैं अरब का, वो इन्होंने केस नहीं लगन दिया। मरियम एक दिन जाके अदालत में नहीं, और अभी इनकी हुकूमत नहीं है। जब इनकी हुकूमत होगी तो नादरा वालों की क्या जरूरत है कि इनके कार्डना बनवा के दें। कौन सी दुनिया में बसते हैं भट्ट साहब आप? ये तो उठा के ले जाएंगे नादरा को। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ, इन्होंने नैब पे हमला किया हुआ, ये तो गुंडे हैं लाहौर के। कैसी बातें करते हैं आप आके? इनको कौन रोक सकता था? तब रोक सकता, अब नहीं रोक सकते। इनकी हुकूमत नहीं है, जो चाहे वो करते फिरते हैं। तो जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त इनको कौन रोक सकता है? जब नेक्स्ट टाइम इनकी हुकूमत आएगी तो इनको कौन रोक सकता है? ये तो दाता है पाकिस्तान के। हाँ, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी जी, इन्होंने जो भी काम किए ना समीना, जहाँ से करप्शन मिल सकता था ना वो काम किए। रोड्स बनाई, क्योंकि रोड्स में बहुत जल्दी पैसा बनता है जी। जो भी ऐसे काम थे जो इनके पूरे उसमें हो सकते थे, तो वो काम वही थे कि जिसमें जल्दी जल्दी पैसा बने। तो वो जल्दी जल्दी पैसा तो रोड बनाने में बनता है, और जिसका कर्ज पूरी आने वाली नस्लें भी उतारती रहेंगी। और फिर जो बिजली घर बनाए गए उसमें इंतहा से ज्यादा करप्शन की गई, इंतहा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन थी नहीं जी। तो वो सारे काम वो किए जिसमें के अरबों खरबों डॉलर कमा के तो बेटे 18 साल की उम्र में अरबपति बन गए जी। तो और वो फिर एक बेटी जो कहती थी मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी चलाई। तो यही होना था फिर तो ये तो इसी तरह से चलता रहा मुल्क। तो बस और क्या कह सकते हैं इन दोनों पार्टीज के बारे में, जिस तरीके से लूटा गया अवाम के सामने, और आज अवाम को जो गैस नहीं मिल रही वो यही इसके बेनिफिशरी यही रहे हैं, यही दोनों पार्टीज रहे हैं। एक एक किलोमीटर के उसमें कई कई दर्जन CNG स्टेशन खोल दिए गए, उड़ा दी गई, जला दी गई जी। हेलो जी, एक और मेरे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो हेलो जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी, आवाज आ रही आपकी जी, आ रही आवाज जी, बोले जी। हाँ जी, हमारा खूबसूरत जो है वजीर आजम इमरान खान साहब जी,
वो ये फरमाते थे ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हैंडसम शहजादा वजीर आजम जब शुरू में आया तो कहते थे कि शुरू में महंगाई साबका हुकूमत की वजह से थी जी। फिर बाद में फरमाने लगे कि फिर महंगाई माफिया की वजह से हुई है। बाद में फिर फरमाया कि जी महंगाई जो है वो कोरोना की वजह से है। बाद में फिर फरमाने लगे कि मैंने तहकीक की है तो मालूम हुआ कि महंगाई तो है ही नहीं इस मुल्क में, ठीक है। और फिर बाद में फिर फरमाने लगे पाकिस्तान तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ठीक है। और अब जो फरमा रहे हैं कि महंगाई जो है आलमी मंडी की वजह से है। हमारा शहजादा वजीर आजम जो बातें करता है मेरे ख्याल में तो उसे खुद भी पता नहीं कि मैं क्या कह के चला जाता हूँ। बाद में सोचते हैं, मसला सिर्फ यही है कि खान साहब हमें एवी मशीन के चक्कर में ना डाले। वो ईवी मशीन तो है नहीं, वो एवी मशीन है, ठीक है, उसके चक्कर में ना डाले। आप महंगाई को कम करें। शिबली फराज साहब आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, खुदा रहा आप घी की कीमत कम कर दें, मिर्च मसाले की कीमत कम कर दें, सब्जियों की कीमत कम कर दें, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। आप शर्तें ना लगाए, आपकी हुकूमत की वजह से गरीब आवाम, मैंने कहा 10 लाख रुपए अपने अपने जो ना गरीब आवाम पे लगा दें, 10 लाख रुपए मशीन टेस्ट करने के ना दें। हाँ जी, ये जो एवी मशीन है ना, ये खुद ही समझ आ जाएगी जब आएगी सामने। इसके चक्कर में आप अभी कुछ ना करें। आप गरीब आवाम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो प्लीज वो दे दें, ठीक है। हम आपकी मिन्नत करते हैं, हम आपके मुरीदान की मिन्नत करते हैं कि हमारे साथ लड़े ना आके, वो गरीब के हाल पे रहम करें। बस यही हमारी आपसे इल्तजा है और रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आपको दोबारा फिर हज पे ले जाए, ठीक है। और आप पता नहीं किस मुंह से आप उस मदीना की रियासत में दाखिल होते हैं, यहाँ पे गरीब आवाम आपके लिए झोलियां उठा के बद्दुआएं दे रही है, और वहां पे आप जाके रोजा मुबारक पे बैठ के कहते हैं कि जी हम तो यहाँ के सवाली हैं, यहाँ पे आके हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह के नबी के करीब आते हैं। वो मेरे भाई, पहले गरीब आवाम का सोचे। अल्लाह का नबी भी उसी से खुश होता है जो गरीब आवाम का सोचता है। गरीब आवाम तो आपको बद्दुआएं दे रही है, झोलियां उठा उठा के। आप देखे चैनल चला के, इनके मुरीदान से कहे आप चैनल चला के देखे जरा कि कैसे वो टॉक शो से हटके जो गली मोहल्लों में जाके जो हमारे सहाफी भाई हैं वो जाके दिखा रहे हैं कि लोग कैसे बद्दुआएं दे रहे हैं। रोटी से तंग बैठे हुए हैं लोग, पता नहीं क्यों ये देखते, सिर्फ एवी मशीन पे हम लड़ाई शुरू कर देते हैं कि फलां काम हो गया, फलां काम हो गया। हमारे दिल की आवाज को सुने, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे। आप पाकिस्तान का हाल देखे, बदतर से बदतर कर दिया जो 300 लोग इन्होंने साथ बैठाए हुए हैं इमरान खान ने, ठीक है। ये लोग लूट के खा गए हैं, एक वजारत छोड़ते हैं दूसरी पे जा बैठते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, वो भी खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खान साहब कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन खान साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये जरा देखिए आप क्यों नहीं देखते आंखें खोल के। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि खान साहब ब्लैकमेल होना नहीं चाहते थे पर ब्लैकमेल हो रहे हैं। जी मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? इतनी देर से आपको फोन पे क्या बता रहे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ जी। बताएं क्या कहेंगे आज की बात पर? अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि चले पुराने वाले जितने थे मंसूबे सारे नॉन प्रॉफिटेबल हैं, जैसे उन्होंने कहा कि और इस ट्रेन जो चली, और देखे हम यहाँ पे किसी से मुकाबला करने नहीं आए थे, हम तो उन पुरानी चीजों को ठीक करने आए थे जी। और पुरानी चीजों का रोना ही रोना है अभी तक। रिपीट करेंगे कि मरियम के कोई घर नहीं है या उन्होंने के खा गए तो सारी दुनिया को पता है। अभी क्या हमने क्या किया? आप देखे वो पिछावर में जो कौन सी चली, वो मेट्रो बस। जी जी जी, मतलब इतना ज्यादा उस वो भी ओवर बजट गई और जीरो उसकी वो कारकर्दगी। बाकी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं जी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल होना बंद कर दें वजीर आजम इमरान खान और कुछ काम करके दिखा दें। जी जी, मैंने कल भी यही कहा था कि अभी भी मौका है हुकूमत के पास कि 1.5 साल बाकी है, इसमें आप कुछ काम करें ताकि अगले इलेक्शन में अगर फेर। तो अच्छा आप बताएं कि ये जो वोटिंग मशीन से ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये वाले इलेक्शन? ये मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करता। मैंने कल भी आपको कहा था इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन तो अभी तक मंजूरी नहीं दे रही है, उससे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी मीडिया को। तो आप बताइए कि क्या कश्मकश चल रही है? अपोजिशन तो किसी सूरत भी तैयार ही नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। अपोजिशन तो मेरा कोर्ट में लेकर जा
जा रही है इसको। जी सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है और वो किसी सूरत भी तैयार नहीं है। तो ये मौजूदा जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर, तो क्या इस मौजूदा हालात में ये हुकूमत कामयाब हुई है अपने बिल पास कराने में? आपको नजर आता है कि ये हुकूमत मजबूत नजर आ रही है आपको ये सब काम? बिल तो पास हो गया ना जी, बिल तो पास हो गया, तो क्या मजबूत हो गई है पूरी दुनिया में? इखलाकी हैसियत से मजबूत होना बहुत जरूरी था, जो इखलाकी हकीकत से मजबूत नहीं हुई है हुकूमत। ये देखें, इखलाकी हैसियत से हुकूमत को मजबूत होना था पूरी दुनिया के अंदर, पर वो पूरी दुनिया के अंदर इखलाकी हैसियत से मजबूत नहीं हुई है। हाँ बिल पास करा लिए उसने, पर ऐसी मजबूती नहीं हुई है कि लोग वाह वाह करें, इसलिए कि सबको लेके चलना होता है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? सबसे दूसरी बात ये है कि ऑपोजिशन जो है उसकी मशावरत लेनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन नहीं इसके उसमें ना हक में, तो ठीक है अगर उसने पास करवा लिया तो ठीक है। मेरे ख्याल में अगर तो फेयर इलेक्शंस होते हैं तो मेरा ख्याल है कि ईवीएम मशीन यूज करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आपने नहीं देखा कि पूरे मीडिया पे जो शोर मचा हुआ है कल जो बिल पास हुए, तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इखलाकी हैसियत से तो हुकूमत कमजोर ही हो गई है, बिल पास कराने के बावजूद भी इखलाकी हैसियत तो गिर गई है। जी आपने देखा ना कितना हंगामा हुआ, कितना हंगामा आ रही हुई। अभी मेरे कॉलर आएंगे वो कहेंगे जी हमेशा यही होता है। जी जी जी, तो देखे ना कितना बुरा हुआ है। अगर आप लोग देखें तो आप क्या लोगों को, अगर नई जनरेशन अगर सियासत में आना चाहती है तो वो ये देख के तो सियासत को कभी भी नहीं आना चाहेगी, यानी कि पुराने ही लोग हमेशा। सारे लोगों की जो है ना तवज्जो हटाई गई है महंगाई और दूसरी तरफ से जी, ठीक है ना। ज्यादातर लोग ये भी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि महंगाई की तरफ से जो लोगों को आवाम को है ना जरूरी नहीं है ईवीएम मशीन। देखिए मैं फिर कहता हूँ अगर फेयर इलेक्शन हो, जिसने जीतना होगा वो जीत जाएगा। जीत जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि मशीन लाकर ही सही फेयर इलेक्शन होगा। जी आमिर लियाकत का बयान सुना था कि जी हमें लाया गया है और बड़े अच्छे तरीके से लाया गया। वो तो छोड़ भी चुके थे, ये वो तो छोड़ भी चुके थे। उन्होंने कहा भाई आप कैसे यहाँ पे नजर आ गए, तो उन्होंने कहा हमें तो बड़ी इज्जत के साथ लाया गया है और बड़े एहतराम के साथ। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मैं लेकर आया उनको। फवाद चौधरी क्या लेकर आएंगे? एक सेकंड होल्ड करें। वो फवाद चौधरी ने कहा कि मैं ही लेकर आया हूँ। जी जनाब, मगर पीछे तो आपको पता ही है किसका हाथ था। जी ये नई जनरेशन कहाँ से आएगी आप बताएं ना, नई जनरेशन के ताल्लुक नवाज शरीफ से ना भुट्टो से, तो वो कहाँ से आएगी नई जनरेशन? ना नई सोच आएगी। इन दोनों को खत्म होना पड़ेगा तो नई जनरेशन आएगी। और अभी ये कॉलर है ना, ये जो ये कह रहे हैं इनकी मतलब वीडियो रिस्पेक्ट के, ये मशीन जो है ना, आप इस चीज को ऐसे सोचे कि पहले धांधली होती थी, इस दफा हम ट्राई कर लेते हैं। आप पॉजिटिव सोचे, अगर ये सक्सेस हो गई तो ठीक है, नहीं सक्सेस होती है इसको हटा देंगे। ट्राई करेंगे अब, होगी या नहीं होगी। एक सेकंड जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरी तरफ से जी तमाम सुनने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम जी। मुझे शिबली रमानी याद आ गया, मैं उससे कुछ कह सकता हूँ? जरूर कहिए, आपने देखा था ना। अच्छा जी जी, शिबली रमानी साहब जो है, शिबली फराज साहब जो भी, उन्होंने कहा जी मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर कोई इस मशीन को हैक करके बता देगा। जी जो भी साहब जाएगा उनके पास कि जी मैं ऐसा कर सकता हूँ और करके दिखाएगा, उसके बाद वो उसे वापिस आने देंगे। जी उसे अपने पास ही बिठा लेंगे, बोले बेटा तो एक तरीके से इलेक्शन में यूज करूंगा। बात सही की आपने, बहुत शुक्रिया, आपने बात बिल्कुल सही कही कि वो पास ही बिठा लेंगे कि भाई बैठ जा भाई, आप इलेक्शन में तुझे यूज करा जाएगा, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जो कह रहे हैं शिबली फराज ने कहा है कि 10 लाख रुपए देंगे जो इस मशीन को हैंग कर ले, तो आप बताएं क्या कहेंगे इस सिलसिले में? वो आए थे सुनने के। जी हेलो, हेलो जी जी, हाँ जी जी, इसी पे बात कर रहा था, ये वोटिंग मशीन के ऊपर देखें जी, फेयर एंड अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो वोटिंग मशीन पे भी हो सकते हैं और उसके बगैर भी हो सकते हैं। जी क्या वजह थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा वो उस पे वो थी कि भी हमने करवाने, ठीक है चलो आपने, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर जाएगा ना मसला, तो बात अभी कहा थी। और ये एकदम नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का एक नुमाइंदा पुराना साबिक आया था, वो कहता जी एकदम नहीं हो जाएगा, अगले 5 साल में भी इक्का दुक्का जगह पे लग सकते हैं, जैसे बड़े शहर है जैसे कराची इस्लामाबाद लाहौर, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हर पोलिंग बूथ पे लग जाएंगे जी।
और दूसरी बात है कि बहुत महंगी मशीन है, इसमें काफी पैसा खर्च होगा, बहुत महंगी मशीन है, काफी पैसा खर्च होगा, और आगे भी लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। आपने अभी इतना इजी नहीं है जो आप लोग इतना आसान समझ रहे हैं इसको कि इलेक्शन तो यूं सर पे सवार खड़े हुए। अभी आपने देखा कोई टाइम है इलेक्शन के अंदर जो इतना शोर मच रहा है? वैसे आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों की है ना महंगाई पे बहुत आवाम शोर मचाई थी, सिर्फ आवाम को हटाने के लिए ये सारे काम करना शुरू कर दिया हुकूमत ने? वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन ठीक है, जो हो गया तो हो गया। बाकी अपने कल्चर से बच्चों को जी कैसे जोड़ सके, जी कैसे जोड़ सकते हैं कल्चर से? देखा आप है भाई जो आप आए, वरना तो ये तो पॉलिटिक्स पे खत्म होता 15 मिनट शो के अंदर जो आप आ गए। मैं अभी ब्रेक की तरफ भी जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे बात करती हूँ, होल्ड पे रहें, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी COVID-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट। जी
नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट। देख रहे हैं, देखें सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपनी राय इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी एक कॉलर आए थे जो नीचे वाले टॉपिक में बात करना चाहते थे, मैं अभी शुरू करती पर मुझे ब्रेक की तरफ जाना था। मेरे साथ काफ़ी कॉलर थे जो होल्ड पर थे, सबको एयर ज़रूर करती और कुछ कॉलर को होल्ड कर रही थी तो वो ड्रॉप हो रहे थे। तो अब आप लोग वापस कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है प्रोग्राम के अंदर, थोड़ी सी देर है, मुश्किल से 10 मिनट है प्रोग्राम ख़त्म करने में। अब 10 मिनट में जितने लोग भी आके अपना मैसेज दे सकते हैं तो देना चाहते हैं दे दें, अगर जो नीचे वाले टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो नीचे वाले टॉपिक पे भी आके बात कर सकते हैं। दो कॉलर मेरे साथ आ गए हैं तो मैं सबसे पहले इन कॉलर से बात करती हूँ, फिर ऊपर वाले कॉलर से बात करूंगी। जी जनाब, एक मरहूम अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आया है, हुसैन नवाज ने 50 करोड़ की रिश्वत की ऑफर की थी, ये बयान हल्फी में लिखा हुआ है उनके। तो अब ये दूसरे इन्होंने पकड़े राणा शमीम, उनपे भी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपको तो पता है ये वहां बैठा हुआ, ये जितने इस तरह के घिनौने काम है ना ये वहां बैठ के कर रहा है, और वो भी इन्वेस्टमेंट जाया ही होगी जो ये राणा शमीम पे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये किस किस तरीके से कितना गिर सकते हैं ये लोग, किस तरीके से जजों तक को खरीदते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, मतलब हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों ने क्या कल्चर दिया था, कितना गिर सकते हैं कभी आप सोच सकती हैं कि कोई कोई किसी की वीडियोस बना के ब्लैकमेल करेगा, और ये इनका वतीरा रहा है, अरे काम ये करते रहे। और अच्छा फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले उसको ऑफर देते हैं कि अच्छी ओहदे पे, तो जब वो इनका गुलाम बन जाता है फिर उससे, अब वो कैश कराने का वक्त आ गया था राणा शमीम को, उसका आज बेटा कह रहा है कि मेरे तो वालिद वो बन सकते हैं, यहाँ के सदर भी बन सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ से बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं उनके, आप अंदाजा करें। तो कितना मतलब इस मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। बहुत अच्छे, एक सेकंड होल्ड कर दें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सलाम वालेकुम जी। मेरी अर्ज है की ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत मिल गई है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी ड्यूल सिटीजन को पाकिस्तान में एनडीए एमएनए का इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, तो ड्यूल सिटीजनशिप खत्म हो गई है कि नहीं, अगर हम लोग पाकिस्तान में एमएनए के लिए अप्लाई करते हैं, दरख्वास्त देते हैं इलेक्शन के लिए, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको इतराज तो नहीं होगा, इस सिलसिले में किसी से राय बताए। अच्छा जी, ठीक है जी। जी हेलो जी। जी सिस्टर, बात हो रही है शिबली फराज की, तो किसी ने ट्वीट किया था कि शिबली फराज इतने बड़े निकम्मे हैं कि इनके अब्बा जो थे इनको शायर नहीं बना सके, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे ये मशीन लेकर आए, कि वो इतने निकम्मे थे कि वो शायर नहीं बन सके, तो उनके अब्बा इतने बड़े माशाल्लाह शायर थे कि वो उनको शायर नहीं बना सके। दूसरी बात आ जाती है रियासत मदीना की, रियासत मदीना में जी शर्तें लगाई जा रही हैं कि इसको हैक करके दिखा दो तो 10 लाख रुपए ले लो, कौन सी रियासत मदीना में ये बातें होती थी सिस्टर, आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये इंसान इमरान खान अपने लफ्जों का है कि नहीं है, कि रियासत मदीना में वो 10-10 लाख रुपए की शर्तें लगाने को तैयार है कि आइए जी इसको हैक करें और 10 लाख रुपए ले लें, तो भाई इतना मैं मैसेज देना चाह रहा था। देखा कुछ लोगों के पास बहुत छोटा मैसेज होता है, जब आप लोग कहते हैं ना कि भाई आप किसी का इतना लंबा मैसेज लेती हैं तो उनके पास होता लंबा देने के लिए, इसलिए मैं लंबा ले रही होती हूँ, और जिसके पास छोटा होता है उसका छोटा मैसेज ले लेती हूँ। जी हाँ जी, पहले कहा गया जी कि ट्राई करके देख लें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ट्राई करके देख लें, अभी इल्जाम लगाए गए ये वैसे इल्जाम है जैसे इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर 10 अरब के इल्जाम लगाए थे, और शहबाज शरीफ उसको अदालत में ले गए हुए, तो खान साहब अदालत में पेश ही नहीं होते हैं, हर दफा कोई ना कोई तारीख ले लेते हैं, 3 साल हो गए हैं। अच्छा अभी कहा गया जी कि वो मेट्रो, अपना मेट्रो जो है वो ये हो गया, सारी दुनिया की मेट्रो मसवाए लंदन मेट्रो के और या फिर हांगकांग के, सारी मेट्रो जो है सब्सिडी के ऊपर चलती है, इंक्लूडिंग अमेरिका की, इंक्लूडिंग कनाडा की, कोई मेट्रो नहीं है मसवाए ये 2-3 मुल्कों के जो सब्सिडी पे नहीं चलती है। इससे मतलब इससे आप क्या कुछ नहीं हो रहे कि वो एक गरीब आदमी जो जितना सफर है वो पहले 60 रुपए खर्च करके अपना किया करता था, वो 20 रुपए में वो सफर तय करता है, और वो भी एयर कंडीशन माहौल में, वो इतनी देर जो है गर्दोवालू से बच
समझता है उसके खेतों पर मुजरत खराब काम पड़ते हैं। और फिर यह है कि उन्होंने कोई मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और सड़कें नहीं बनाई थी, उन्होंने तालीम के काम में ऐसा काम किया। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, दानिश स्कूल सिस्टम पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो फ्री अवेलेबल हो, और वो भी उन बच्चों के लिए था जो सिंगल आर्फन हो या डबल आर्फन हो और जिनकी मजमुई आमदनी साल में 15,000 रुपए से ज्यादा ना हो, और उनको वहां नंगे पांव जाते हैं तो वहां पे सारी यूनिफॉर्म कपड़े रहना सहना खाना पीना उनको फ्री अवेलेबल होता है। उसके बाद उन्होंने पंजाब के हॉस्पिटलों को इतना अपग्रेड कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर ईसीजी और ये सारी मशीनों के अलावा डायलिसिस की सहूलत फैल दी, और वो मुफ्त फैल दी जो इन इलाकों ने आके खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने हर टैलेंटेड बच्चे को लैपटॉप दिया जिसकी वजह से वो बच्चा जो है उसको रोजगार का मौका मिल गया। कोरोना के दौरान में उन्हीं लैपटॉप की वजह से लोगों बच्चे जो है रोजगार अपना कमाते रहे उसके ऊपर। उसी के ऊपर उन्होंने की उन्होंने कोई ऐप का बिजनेस शुरू किया, किसी ने चित्र का शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब की तमाम इलाकों में राता सड़कें बनाई, नलसरे नो बनाई जिसकी वजह से किसानों को आसानी पैदा होगी। ये तो खैर लंबी तफसील है, तो बात यह है कि सिर्फ इल्जाम लगा कि उन्होंने क्या किया, मैं भी कहता हूँ दूध की शहर नहीं प्यारी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ काम किया। बस आखिरी ना खत्म करता हूँ कि उन्होंने मैं एक सिर्फ आखिर कि उन्होंने इतनी बिजली पैदा की कि आज शौकत तरीन जो मौजूदा वजीर खजाना है वो ये कह रहा है जी कि आप गैस इस्तेमाल ना करें बिजली इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पास वाफर मिकदार में है। तो इन अदर वे वो ट्रिब्यूट पेश कर रहा था नवाज शरीफ को कि उसने इतनी बिजली पैदा की। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो जी जी। अच्छा अभी बात कर रहे थे कि बड़े हॉस्पिटल बना लिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि कभी नवाज शरीफ और इन्होंने अपना इलाज उसमें करवाया जी। ये तो एक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि इनके बड़े बड़े जो वुजरा जो है बड़े बड़े वजीर आजम रहे 3 दफा के, इनके इलाज इनका अपने मुल्क में हो सका। आखिर हर एक को यूके जाने की लंदन जाने की क्या जरूरत पड़ जाती है, ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना पाए अपने मुल्क के अंदर। समीना मैं आपको बता दूं 10 से 12 हजार का लैपटॉप था ओरिजिनल, उसकी कीमत। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जी, एक मिनट के लिए होल्ड करें, दोनों कॉलर होल्ड पे रहे, मैं इनका मैसेज कर ली जी। उसमें भी अरबों खरबों रुपए बनाए गए, जो काम किया है ना उसमें वो करप्शन ही में मौजूद था, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं था कि जहां पे करप्शन से बचाओ वो काम। 35,000 रुपए में वो लैपटॉप दिया गया 10 से 12 हजार वाला, आप अंदाजा करें कितना पैसा बनाया होगा। तो वो पीली टैक्सी जो आई थी उसमें भी अरबों खरबों रुपए, कोई काम ऐसा जी जो प्रॉफिट में गया अवाम के लिए गया हो जिससे अवाम ने फायदा उठा लिया, फायदे इन्होंने ही उठाए हैं। चले जी जनाब जी जी। दानिश स्कूल भी बात कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं है, आप बता दें नवाज शरीफ मरियम के बच्चे मरियम कैदी के बच्चे सॉरी ये पढ़ते हैं दानिश स्कूल में, ये तो कोई नहीं पढ़ते किसी हॉस्पिटल में, ये लोग इलाज नहीं कराते। तो बात वो कर रहे हैं कि गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों के साथ जो हो रहा है और जो होता रहा है, तो भाई मरियम आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जब दहशत गर्दी हुई थी सबसे पहले मरियम ने अपनी बेटी को मुल्क से बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, आप सोचे। तो फिर आप दानिश स्कूल में क्यों नहीं भेज दिया उसको उन्होंने, ये नवाज शरीफ के सारे खानदान सब बाहर पढ़ते हैं, बेनजीर के सब बाहर पढ़ते हैं, तो दानिश स्कूल किसके लिए था। थैंक यू सो मच जी जी। हेलो जी जी। बहुत से दूर कुछ मिसाल दी गई है मेट्रो की, अमेरिका की और कनाडा की, अमेरिका का और कनाडा का पाकिस्तान से क्या मुकाबला है। चीज वो बनाई जाती है मुल्क में जिससे ये बसें भी आ सकती थी और इससे बहुत कम पैसों में आ सकती थी, मिलियन एंड मिलियन डॉलर सेव किया जा सकता था, लेकिन वो कमीशन नहीं इतनी बड़ी मिलती थी। और फौरन बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, पैसा लूटो और भागो यहाँ से, ये काम हुआ है वहाँ। ये किसी की सहूलत के लिए नहीं बनाई गई थी वहाँ मेट्रो। और मेट्रो उस वक्त बनाते हैं जब घर में खाना खाने के लिए हो, दो वक्त का कम से कम दूसरे लोग खाना खा लें, मुल्क में खुशहाली हो, फिर ऐसे काम करते हैं। ऐसे नहीं पंगा लेके कर्जा लेके तो मेट्रो बना दो जी, बड़ा वंडरफुल ब्रेन प्लाया है, ऐसे काम करते ही नहीं है। पहले बसें ले आते हैं ना, बसों से सारी इतने पैसे बचते थे।
तो मेट्रो वो लोग बचाते हैं जिनके बनाते हैं जिनके घर में खाना खाने के लिए खाने होता खाने है। जी सही जी। वो देखो कनाडा में बनी है यहाँ यूनाइटेड स्टेट मेरे होते हुए यहाँ बनी है सही। वो 40 साल लगे उसको बने जी 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 है। इन्होंने तो लाहौर का खाना खराब कर दिया ऊपर परेज बना बना के और बातें करते हैं जी हमने बहुत कुछ किया। चले ठीक है जी। हेलो जी जी बहुत देर से सारे कॉलर होल्ड पे हैं जरा सबर करें मैं सबको लूंगी। जी हेलो जी 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 मैं जी, अभी बट्टा में बात कर रहे थे तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वाकई तपाक हॉस्पिटल में हमें दोस्त है उसकी जानने वाली एक बच्ची थी छोटी उसको कैंसर हो गया जी। तो चूंकि उसके फादर जो थे वो ज्यादा वो कमा नहीं रहे थे तो उन्होंने फ्री उसका इलाज किया। एक सेकंड जी 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 फ्री इलाज हुआ था आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है और मेरा ख्याल 1-2 साल में इंशाल्लाह उसकी शादी हो जाएगी। माशाल्लाह बड़ी बात है। मतलब कि ये जो है ये एक सेकंड नदीम एक सेकंड के मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर इनकी बात ले लूंगी। हेलो जी 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 बोले अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी 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 मैम जिस दौर में नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई जिस दौर में उन्होंने ये ट्रेनें चलवाई या जिस दौर में उन्होंने ये बसें चलाई हैं उस दौर में महंगाई किस जगह पे थी आप बता सकती हैं? ये जो भाई अभी बता रहे थे उस वक्त तो ये घी 150 रुपए मिलता था जी। चीनी 50 रुपए मिलती थी महंगाई थी ना। तो इन्होंने पेशावर की जो केपीजी में जो थी वो ये बसें वो क्यों नहीं चलवाई इन्होंने वहां काम क्यों रुक गया था। मसला सिर्फ यही है कि इनके पास लोग नहीं है काबिलियत वाले ठीक है। अगर उनके पास काबिलियत वाले लोग हैं तो चलो ठीक है मानते हैं कि उन्होंने खाया है ठीक है लेकिन उन्होंने कुछ लगाया भी है। अब ये जो हुकूमत है ये तो सिर्फ इन्होंने तो कसम खाई है कि उन्होंने तो खाना ही है यानी कि उनकी मिसाल जो दी जाती है खाता है तो लगाता भी है वो सही मिसाल है यानी कि खाया है लगाया है। तो इन्होंने तो देखे ना इन्होंने तो खाया ही है ना अभी तक कुछ लगाया है तो दिखाए। मेरे ख्याल में 3 साल में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुल्तान से जो कसूर को रोड निकलता है वो दिल्ली रोड कहते हैं उसको ठीक है। 3 दफा बजट में वो रोड पास हो चुका है इस हकूमत के जो है ना बजट में 3 दफा उसको पास किया गया है लेकिन अभी तक उस रोड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया ठीक है। वहां पे रोड रोज जो है वो एक्सीडेंट होते हैं रोजाना लूटमार हो रही है बिल्कुल खड्डे बन चुके हैं। वो मेन रोड है मेन रोड बड़ा रोड है वो ठीक है। मसला ये है कि ये सिर्फ बातें करते हैं सिर्फ उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि बातें करने के बाद अगर बातें आपने 3 साल कर ली है तो जो बाकी आपके पास टाइम बचा है थोड़ा सा काम कर ले आप ताकि हमें सुकून हो जाए अवाम को सुकून हो जाए। अवाम कहे कि जी खान साहब जो है ना आपको मशीन के बगैर ही वोट मिल जाएंगे आप घबराए नहीं आप काम करके दिखा दें आप रेट को नीचे ले आए आप चीजों को जो रेट है उनको कम कर दें तो आपको वोट मिल जाएंगे। आपके ये बात ये आपने बहुत प्यारी बात की कि आप जो ना सिर्फ कीमतों को नीचे लेकर आ जाए तो आपको खुद ब खुद वोट मिल जाएंगे। आपको इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कोई जरूरत नहीं होगी आप सिर्फ काम करके दिखाएं आवाम की आवाज बन जाए। जब अगर आवाम की आवाज बन गए आवाम को आपने रिलीफ दे दिया इस महंगाई से इन सब चीजों से तो आपको खुद वोट मिल जाएंगे आपको जरूरत नहीं होगी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। बहुत प्यारी बात की आपने जी। मैम सिर्फ मुझे इतना बता दें कि इनके जो वजीर मुशीर हैं कभी आपने किसी को मार्केट में देखा है चीजों के भाव पूछते हुए कभी जाके बाजार में किसी चीज का नोटिस लेते हुए कोई वजीर मुशीर 3 साल में आप बता दें मुझे ये की वो मार्केट में निकला है। फवाद चौधरी इतनी बातें करता है वो गिल साहब इतनी बातें करते हैं मुझे बता दें कि वो कहीं किसी मार्केट में जाके उन्होंने लोगों का हाल पूछा है कि आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ठीक है। वो सिर्फ आती है दो बंदे उन्होंने इसीलिए रेलू कट्टे रखे हैं वो आते हैं और आगे टॉक शो करते हैं बस वो जी नवाज शरीफ ये कर गया नवाज शरीफ वो कर गया यार वो तो सब कुछ ही कर गया यार मानते हैं हम मान लेते हैं ठीक है पर यार खुदा का वास्ता है आप काम तो करके दिखाएं हमें। जी 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 आप इतने झूठ बोल रहे हैं हर टाइम झूठ बोल रहे हैं अभी एक बयान देते हैं दूसरा बयान आ जाता है। अब देखिए वो ही जिस जमात को ये दहशतगर्द करार दे रहे थे उसी जमात के रहनुमा को इन्होंने छोड़ भी दिया। अब वो कहाँ है वो दहशतगर्द ये फवाद चौधरी उस वक्त बोल रहा था कि मौलाना साहब को वो दहशतगर्द है ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क के लोगों को मुझे समझ नहीं आ रही है हम सिर्फ आपस में जंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी देखिए अभी पाकिस्तान से कॉलर आया है तो वो उसने जो इमरान खान की 2-4 बातें कर दी अब मैंने इसको गिराना है मैंने ये नहीं करना है कि वाकई वो खामियां अगर जो बता के गया है मैं उनको कबूल करूं या नहीं। हमने ये कहना है कि उसकी ऐसी की तैसी वो क्यों ये बातें करके गया है अब मैं आऊंगा नवाज शरीफ की जो 5 साल पुरानी बातें वो मैं उनको उखाड़ के सामने रखूंगा।
हमने ये करना है, हमने वो नहीं करना जिसकी जरूरत है इस वक्त, हमें हम मुतहिद हो जाएं, हम अवाम एक साथ इकट्ठे हो जाएं और इन हुक्मरानों को बताएं कि हमें किस चीज की जरूरत है। हमने हमें आपने बहुत किया, ठीक है, सही, हम बताएं, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हम आपस में लड़ेंगे बस। उन्होंने वो हमें बेवकूफ बनाते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, ठीक है, इलेक्शन आ जाए तब लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद भी लड़ते हैं। अवाम बेचारी हर जगह पिस रही है, सिर्फ अवाम सोच नहीं रही। अगर सोचे तो मेरा नहीं ख्याल के ये किसी सहाफी को बुरा कहें। ये जो सहाफी लोग बैठे हुए हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग सहाफियों को बुरा कहते हैं, चैनल वालों को बुरा कहते हैं, अगर ये लोग ना होते तो इनके ऐब आपको कोई भी ना बताता। ये जितने घपले कर रहे हैं और जितना कुछ कर रहे हैं, कोई भी ना आपको सामने लेके आता। अगर खान साहब सामने लेके आए तो खान साहब ने वही लोग जिनके बारे में वो कहते थे कि मैं इनको साथ नहीं मिलाऊंगा, खान साहब ने वही लोग सारे साथ मिलाए हैं और वही लोग उनके ऊपर खान साहब ने साया किया हुआ है और वही लोग मुल्क में करप्शन कर रहे हैं जी। चलो जी, हेलो जी, मेरे साथ तीन चार कॉलर है, मैं इनको भी एयर कर रही हूं, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाकिस्तान से शामिल होने का। जी बोले जी जी। अच्छा ये जो अभी भाई आए थे बड़ी सही बात कर रहे थे, देखें मुझे ये लगता है, मेरा अपना ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू, इससे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट चूंकि कुछ कर नहीं सकी 3.5 साल में, तो अब वो चाह रही है कि अगला इलेक्शन जीते और आगे आगे काम करें। अब मुझे ये पता नहीं कि 1.5 साल में क्या करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि अभी जो इनका पहला जो लगता है ना काम, जो फ्यूचर प्लान, वो अगला इलेक्शन जीतने का। पहले इतने लोगों को मजहब कार्ड दिया, किसका, रियासत मदीना का, कौन उसके खिलाफ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये तो सिर्फ बोली है, एक कोई ऐसी बात हो नहीं रही इसमें, तो लोग फिर आम आवाम भी जो है वो इनके खिलाफ होगी, जिन्होंने इनको वोट भी दिए, ठीक है। अभी वो क्या है, ईवीएम का मसला ले, अब आई डोंट नो के बाकी वो बात सही कह रहे थे, मशीन के बगैर भी जीत जाएंगे जी अगर ये काम करें थोड़ा सा। भाई हम तो ये चाहते हैं मुल्क में कोई भी आए, लेकिन मुल्क के लिए काम तो करे, उसको थोड़ा दिखाए तो सही। अभी देखिए करप्शन इस वक्त जो है ना, इस वक्त सबसे ज्यादा ऊंची सतह पे है करप्शन। और गार्डियन का पिछले 3-4 दिन पहले एक वो आया था जिसमें लिखा हुआ था इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर इन पाकिस्तान। आप देखो गार्डियन तो हम पाकिस्तान का नहीं है ना, वो नवाज़ का अखबार तो नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अखबार है जी जी जी, ठीक है। तो ये चीजें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और अपने आप को सही करना चाहिए, बजाय इसके कोई आपसे तनकीद करे तो आपके लोग वहाँ पे बजाय इसके उसको एक्सेप्ट करें, प्रोग्राम बैठ के वो आपसे लड़ना शुरू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होती है आपसे, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी बोलिए, 30 सेकंड का मैसेज जी। जी ऐसे इन्होंने भी किया हुआ है, दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े होते थे तालिबान के सामने कि पंजाबियों को कुछ नहीं कहो, जाके सिंधियों को मारो, दूसरे सूबों वालों को मारो, हमारे सूबे में नहीं आए, क्योंकि ये सूबा एक सेकंड जरा खत्म हो रहा है, ये सूबा, हाँ ये सूबा हमारे बाप का है, इसको नहीं कुछ कहो। वो लाल मस्जिद वाले मौलवी पुरखा लेके भाग रहे थे, उसका सहारा लेते, याद रखे, कल इसी टॉपिक पे बात करिएगा, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी जी जी। जनाब 30 सेकंड का मैसेज है, 30 सेकंड का मैसेज दें प्लीज, आपने बहुत देर से प्रोग्राम में शामिल हुए, प्रोग्राम में लेट शामिल हुए, प्रोग्राम का टाइम, जल्दी से मैसेज दे दें जो भी देना चाहते हैं जल्दी। मुझे बहुत ही जल्दी मैसेज खत्म करना है, क्योंकि 3 साल से हम लोग तो पाकिस्तान जितने भी चैनल है ना, हम हमें नफरत सी हो गई है, हमें अवाल टीवी से इसलिए प्यार हो गया है कि कम अज कम हम लोगों को गाने सुनाते हैं, कम अज कम अजीब बुरी बातें मजाकिया हो जाती है। इस वजह से आजकल हम, मैं तो मेरी फैमिली और हम लोग तो और चैनल देखते नहीं है, अवाल चैनल का जो वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बात की, खुश रहे जी। जनाब ये प्रोग्राम ही आप लोग के लिए लेकर आते हैं इसलिए ताकि आप लोग इस चैनल से जुड़े और चैनल के प्रोग्राम देखें जी जी। ये बात हो रही है कि इमरान खान अगर ये 1.5 साल में कुछ काम दिखा दें, हाँ। ये अगर 1.5 साल में स्ट्रिप क्लब में जाके डांस भी करेंगे ना जी, तब भी इनको वोट नहीं मिलेंगे। चले ये ना कुछ काम नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब 30 सेकंड का मैसेज दे दें जी। नहीं मैं 20 का दूंगा, लेकिन बात प्लीज कंप्लीट होने दीजिए। नहीं मेरा टाइम खत्म हो गया बिल्कुल, नहीं बस 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड नहीं, सिर्फ 30 सेकंड प्लीज, कल रात कल बात करेंगे पूरा। 20 कह रहा हूँ, चले बात को सिर्फ सुनना नहीं समझना भी होता है जी। मेरी बात पर तनकीद से पहले जिस चीज की बात हो रही है उसके बारे में तकनीकी इलम जो है हासिल जरूर कर लेना चाहिए। खाली बातें करना बहुत आसान है, दुनिया में ट्रेन इसलिए चलाई जाती है कि इससे पोल्यूशन कम होती है, अखराजात कम होते हैं। 400 बसें चलाने के बजाय अगर एक ट्रेन चला ली जाए तो मकसद पूरा हो जाता है।
400 बसें चलाने से पोल्यूशन पैदा होती है, एक ट्रेन चलाने से नहीं होती है, और उससे ज्यादा मुसाफर एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते 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 यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रहे, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।